जी न्यूज पर आज एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर पूरा देश हिल जाएगा। एक ऐसा खुलासा जो इससे पहले अब तक नहीं हुआ। और ये खुलासा वो शख्स करने जा रहा है जो आज की तारीख में इतना पावरफुल है कि वो आपके चहेते स्टार का करियर बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ये कोई और नहीं, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा हैं। कौन खेलेगा इंडिया के लिए वो हमने डिसाइड करना है, कौन फ्यूचर है वो हमने डिसाइड करना है। चेतन शर्मा जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर ऐसे सच उगलने वाले हैं जो अब तक बीसीसीआई के बिल्डिंग में दबे रहते थे। दोनों को बुला के खड़ा कर खेलना है क्रिकेट के खाली की हम तो सीधा थे, वो खेलना ही नहीं है, नहीं खेलना, ओके थैंक यू, वी डोंट नीड यू। आज चेतन शर्मा बताएंगे कि टीम इंडिया में फर्जी फिटनेस का इंजेक्शन वाला खेल कैसे खेला जा रहा है। आज चेतन शर्मा ये भी बताएंगे कि वनडे टीम से विराट कोहली की कप्तानी किसने और किस तरह छीनी। सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद की असली वजह जिससे दुनिया अब तक अनजान है, अंदर खाने की पूरी बात आज खुद चेतन शर्मा बताने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, दो ईगो क्लैश है। टीम इंडिया में आपके पसंदीदा खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के स्क्रिप्ट कौन लिखता है और बीसीसीआई से लेकर टीम इंडिया तक वो कौन है जिसके बारे में चेतन शर्मा का दावा है कि वो कितनों को डुबा कर ले जाएगा। कोई प्लेयर जगह छोड़ना नहीं चाहता, उनको पता है कोई आया तो उसने कुछ कर दिया था, अच्छा 2 साल वेट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि ये बात होने वाली है क्रिकेट की, वो भी भारतीय क्रिकेट की। देश का, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड हमारा देश का बीसीसीआई है। ऐसे में हमने बताया आज भारतीय क्रिकेट में सबसे अहम फैसले लेने वाला चेहरा जी न्यूज पर है। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी तक हड़कंप मचना तय है। ऐसे खुलासे जो टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को बेनकाब कर देंगे, ऐसे खुलासे जिसे देखने के बाद करोड़ों क्रिकेट प्रेमी खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जिस क्रिकेट से, जिस टीम इंडिया से, जिन खिलाड़ियों से आप इतना प्यार करते हैं, जिन्हें आप सराखों पर सजाते हैं, वो किस तरह अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ छल कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और इस खुलासे के जरिए पहली बार आपको पता चलेगा कि टीम इंडिया में कैसे फिटनेस हासिल करने के लिए इंजेक्शन वाला खेल खेला जा रहा है, इंजेक्शन वाला खेल। और पहली बार दुनिया के सामने ये सच आएगा कि बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स की इंजेक्शन वाली फिटनेस पर क्यों बीसीसीआई जानबूझकर अनजान बनी है। पहली बार आज आप जानेंगे कि बोर्ड बनाम कप्तान की जो ये लड़ाई है, यानी सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच हुए विवाद में आखिर झूठ कौन बोल रहा था। पहली बार आपको ये भी पता चलेगा कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे आपके पसंदीदा क्रिकेटर्स चीफ सेलेक्टर को किस तरह खुश करते हैं।
और पहली बार आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ब्रेक के नाम पर यानी आराम के नाम पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम से हटाने का प्लान तैयार किया गया है। हम दिखाने जा रहे हैं आपको गेम ओवर। खुलासे से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों थी। दरअसल टीम इंडिया पिछले कुछ समय से लगातार बड़े खिलाड़ियों की इंजरी यानी चोट से जूझ रही है। हर बड़ी सीरीज में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर चोट की वजह से नहीं खेल पाता। कभी बुमराह चोटिल हो जाते हैं तो कभी रोहित शर्मा, कभी रविंद्र जडेजा चोट की वजह से लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर रहते हैं तो कभी श्रेयस अय्यर चोटिल हो जाते हैं। हमारी कोशिश ये जानने की थी कि आखिर इंजरी यानी चोट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम टीम इंडिया में क्यों है। बिल्कुल, और हमारी कोशिश ये जानने की भी थी कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में आखिर टीम इंडिया लगातार खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है। हमने ये भी जानने की कोशिश की, ये भी जानना चाहते थे कि साल 2021 में बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के कैप्टन के बीच आखिर विवाद क्यों हुआ था। उस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे सौरभ गांगुली और टीम इंडिया के कप्तान रहे विराट कोहली आपस में क्यों भिड़े थे। हमारी कोशिश ये जानने की भी थी कि क्या टीम इंडिया में सब ठीक है या फिर टीम इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेमे में बटी हुई है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जी न्यूज की टीम बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा से पहचान छिपाकर मिली ताकि असली सच देश के सामने आ सके। इसी को हम कह रहे हैं गेम ओवर। और अब सबसे पहले वो खुलासा जो भारतीय क्रिकेट में भूकंप ला सकता है, वो खुलासा जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रख देगा जिसके बारे में आपने अब से पहले नहीं सुना। ये खुलासा है फर्जी फिटनेस के खेल का। आप सोचेंगे ऐसा भी होता है क्या, हमारे स्टार खिलाड़ी ऐसा भी करते हैं, फिर रूल्स और रेगुलेशन का क्या, इतने तमाम टेस्ट होते हैं उनका क्या। ये खुलासा है इंजेक्शन वाली फिटनेस का। ये खुलासा है सुई से 100% फिटनेस हासिल करने का। मैच के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि कई खिलाड़ी 100% फिट नहीं दिखते या लड़खड़ाते दिखते हैं। आपके मन में भी सवाल आते होंगे कि आखिर कोई खिलाड़ी अगर फिट नहीं है तो टीम में क्यों है, क्यों खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में लड़खड़ाता दिखता है। इसका खुलासा भी खुद चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर किया है। बिल्कुल, और जी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार के सामने चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने टीम इंडिया में फर्जी फिटनेस पर बड़ा दावा किया है। चेतन शर्मा के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम में फिटनेस के नाम पर इंजेक्शन वाला खेल चल रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, और ये इंजेक्शन वाला जो खेल है ये खतरनाक भी है और कई सारे सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन क्या क्या हाथ चेतन शर्मा ने, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में खिलाड़ी अनफिट होने के बावजूद कैसे अपने आप को फिट करते हैं, कैसे वो एक ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे फिटनेस हासिल की जाती है और जो डोप टेस्ट जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है उस तक की पकड़ में नहीं आता। दिसंबर 2022 दिन रविवार, बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा दिल्ली में अपने घर पर थे। स्वेटर पहनकर सोफे पर बैठे चेतन शर्मा से यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन यह आखिरी मुलाकात नहीं थी क्योंकि ठीक 16 दिन बाद 4 जनवरी 2023 की शाम हम फिर मिले इसी घर में। इन दो मुलाकातों के दौरान चयन समिति के चेयरमैन ने हमारे खुफिया कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए। बदनाम करने के लिए गांगुली ये उल्टी सीधी वो खुलासे जिसने भारतीय क्रिकेट की ऐसी सच्चाई सामने रख दी है जो अब तक दुनिया से दबी हुई थी।
18 दिसंबर 2022 को शाम 6:51 पर चेतन शर्मा ने बात बात में ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने सोचा भी नहीं था कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुद चयन समिति के चेयरमैन ही चौंकाने वाले ऐसे दावे करेंगे जो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में इंजेक्शन की मदद से अनफिट खिलाड़ी भी फिट हो रहे हैं, जो क्रिकेटर 100% फिट नहीं है वो भी टीम में बने रहने के लिए इंजेक्शन लेकर 100% फिटनेस साबित कर रहा है। इंजरी की बात ले जाते हैं 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना 85% में भी हमें बोलते हैं सब खेल लेंगे सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अल्लाह की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बुमराह जाते हैं ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सब फिट है हम तो। एक मिनट ये आखिरी लाइन फिर से सुन लीजिए जो चेतन शर्मा ने कही। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चेतन शर्मा। उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में कहा कि चुपचाप कोने में जाकर इंजेक्शन लेकर कहेंगे हम तो फिट हैं सर। सुनिएगा ध्यान से, ये तो बीमार जाते हैं ये तो चुपचाप जाकर कोने में जाकर इंजेक्शन लेके देंगे सब फिट हैं हम तो। सोचिए बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर को भी ये मालूम है कि टीम इंडिया में फिटनेस हासिल करने के लिए खिलाड़ी इंजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये बात अब तक दुनिया से छिपी हुई थी। हालांकि एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चेतन शर्मा उन इंजरी की बात नहीं कर रहे थे जो इतनी बड़ी होती है कि किसी खिलाड़ी का करियर खराब कर सकती है, क्योंकि बड़ी इंजरी में फिटनेस साबित करना बेहद मुश्किल होगा। वो हल्की इंजरी की बात कर रहे थे जिसमें खिलाड़ी 80-85% फिट होकर भी खेलने की जिद करते हैं। चेतन शर्मा खिलाड़ियों का चयन करते हैं और उनके मुताबिक खिलाड़ी ऐसे इंजेक्शन का चयन करते हैं जो डोप टेस्ट की पकड़ में भी नहीं आता। हमने चेतन शर्मा से जानना चाहा कि जिस इंजेक्शन का जिक्र वो कर रहे थे क्या वो पेन किलर था। उनका जवाब हमें और हैरान कर गया। पेन किलर सर इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते। इंजेक्शन लेना खुद से नहीं सब जबरदस्त कुक लेके जा रहे हैं, बड़े सुपरस्टार हैं उनके पास फिर डॉक्टरों की कमी। सही बात, जबरदस्त कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गए। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ये भी पता होता है कि कौन सा इंजेक्शन डोप में आएगा और कौन सा नहीं। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया के फर्जी फिटनेस वाले खेल में बड़े बड़े क्रिकेट सुपरस्टार शामिल हैं और उनके डॉक्टर भी। सोचिए ये दावा खुद वो शख्स कर रहा है जो ये तय करता है कि टीम इंडिया में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। खिलाड़ी अपने रुतबे और स्टारडम का फायदा उठाते हुए चोरी छिपे इंजेक्शन वाला खेल खेलते हैं और बीसीसीआई सब जानते हुए भी इस खतरनाक खेल को रोकती नहीं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी सीरीज के लिए टीम चुनी जाती है तो उस टीम में वो खिलाड़ी भी शामिल होते हैं जो इंजेक्शन के जरिए फर्जी फिटनेस हासिल कर लेते हैं। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो देखिए आपने गेम ओवर में चेतन शर्मा ने क्या कहा, लेकिन चेतन शर्मा यही नहीं रुके। अब सोचना ये जरूरी है कि भारत जैसा देश जहां पर क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको जोड़े रखता है, यहां पर जीत की खुशी त्योहार होती है और हार क्रिकेट टीम की हार मातम में बदल जाती है। ऐसे गेम के बारे में अगर हम गेम ओवर कह रहे हैं और कुछ खुलासे कर रहे हैं तो ये कितने गंभीर है आप सोचिएगा। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर यह दावा किया कि टीम इंडिया में फर्जी फिटनेस का खेल चल रहा है, अनफिट खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर खुद को फिट बताते हैं और टीम में जगह बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं।
क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं चेतन शर्मा ने, एक बार प्रीति से समझते हैं। प्रीति, आप इतने सालों से क्रिकेट कवर करती रही हैं, ये देखकर आप आज आपका पहला रिएक्शन क्या है इस स्टिंग को देखकर? नहीं, ये जो रिएक्शन मेरे ख्याल से दीपक जी पूरी क्रिकेट कम्युनिटी में, जैसा कि हमने बोला कि हड़कंप मचा देगा, सिर्फ भारत ही नहीं बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक हर किसी को शॉक जरूर लगेगा। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो भारत में क्रिकेट खेल नहीं है, धर्म है, रिलीजन है, और लोग इससे डीपर लेवल पर कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों को आज इतना बड़ा झटका लगेगा कि जो चीज़ हो रही है कहीं ना कहीं प्लान्ड है, सुनियोजित तरीके से हो रही है, उसके पीछे क्या मंशा है, क्यों है, ये सब जानने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन गेम ओवर जो हमारी जो स्पेशल सीरीज़ है, इसमें हम बता रहे हैं आपको कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। चेतन शर्मा के खुलासे जो हैं उसमें सबसे बड़ा दावा ये किया गया है कि टीम इंडिया में दरअसल फर्जी फिटनेस का इंजेक्शन वाला खेल चल रहा है। फर्जी फिटनेस का इंजेक्शन वाला खेल, यानी कि फिटनेस को फेक किया जा रहा है इंजेक्शन लगा के। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर का दावा है कि फिटनेस साबित करने के लिए खिलाड़ी इंजेक्शन लेते हैं। बीसीसीआई की जो चयन समिति के चेयरमैन हैं, उनके मुताबिक टीम इंडिया में 80-85% फिट खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर अपने आप को 100% फिट दिखाते हैं। यानी कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको 100% फिटनेस नहीं है। अब जिस खेल में आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर अगर आपकी 100% फिटनेस नहीं है, तो 80-85% फिटनेस वाले भी इंजेक्शन लेकर खुद को फिट घोषित कर रहे हैं। ऐसे इंजेक्शन लेते हैं जो कि डोप टेस्ट में भी पकड़ में ना आए। डोप टेस्ट होना अनिवार्य है, रैंडम टेस्टिंग भी होती है, लेकिन उसमें भी ये सब पकड़ में नहीं आता है किस तरह के पेन किलर्स हैं। इंजेक्शन के खेल में बड़े बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर्स शामिल हैं। कोई छोटे मोटे ए लेवल क्रिकेटर्स की या डोमेस्टिक लेवल क्रिकेटर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सुपरस्टार खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और खिलाड़ी इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टरों को बुलाते हैं, जैसा कि चेतन शर्मा की बाइट में भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को किसी डॉक्टर की कमी थोड़ी ना है, वो अगर एक कॉल करेंगे तो उनके घर पर आ जाएगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए। ये सारे दावे खुद चेतन शर्मा ने किए हैं, और देखिए इन दावों का असर आम आदमी पर, उस इंसान पर दीपक जी जो कि इस खेल से, मैंने कहा कि दिल से जुड़ा हुआ है, क्या होगा। आप और मैं, हम दोनों क्रिकेट प्रेमी तो हैं, इस देश में ऐसा कोई है नहीं जिसको क्रिकेट से प्यार ना हो, लेकिन उनके साथ आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं, फेक फिटनेस आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो 100% हूँ, लेकिन आप है तो 80-85%। और मैं आपको ये बता दूं, प्रीति, ये वही चेतन शर्मा हैं जो वर्ल्ड कप की हैट्रिक के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने हैट्रिक ली थी वर्ल्ड कप में, और ये वही चेतन शर्मा हैं जिनकी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बॉल पे जावेद मियादाद ने छक्का मारा था। और ये दोनों चीजें, मतलब मैं जब ये स्टिंग देख रहा हूं, तो ये दोनों चीजें मेरी आंख के सामने घूम रही हैं, वो दोनों दृश्य, उनकी हैट्रिक और उनका वो छक्का, जिसको लेकर चेतन ने कई बार मुझे कहा है कि लोग मुझे ट्रैफिक लाइट पर पकड़ के रोकते हैं और कहते हैं कि आपने आखिरी बॉल पर छक्का कैसे लगवा दिया। लेकिन यहां बड़ी बात क्या है, यहां बड़ी बात यह है कि चेतन खुद जो है, खुद मान रहे हैं कि हाँ, टीम इंडिया में ये खेल चल रहा है चोरी छुपे। वो कह रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी ये इंजेक्शन वाली फिटनेस लेकर आते हैं, यानी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बने रहने के लिए खिलाड़ी वो सब भी कर रहे हैं जो कि खेल के नियमों के मुताबिक मान्य नहीं है, जो कि खेल भावना से कोसों दूर है, जिसे खेल की दुनिया में चीटिंग माना जाता है। लेकिन खिलाड़ियों के रुतबे के आगे शब्द देखिए, रुतबे के आगे ये सब भी फीका पड़ने लगा है। और टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी सुई और डॉक्टरों की मदद से मैदान में उतरने लायक न होने के बावजूद फील्ड में उतरते हैं और टीम के लिए खेलते हैं। एक बार फिर सुनिए चेतन शर्मा ने टीम इंडिया में इंजेक्शन वाली फर्जी फिटनेस के बारे में क्या बड़े दावे किए हैं। इंजरी की बात ले जाते हैं, 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं मना करता। अगला की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं मारे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है, अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बुमराह जाते हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सबसे टाइम तो पेन किलर से पता नहीं करता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से ही नहीं सब जब जब कुक लेके जा रहे हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गए।
और प्रीति यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि खिलाड़ी ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा करते क्यों हैं? उसको भी चेतन ने एक्सप्लेन किया है कि खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं, क्या मजबूरी है इन स्टार्स की जो देश के सामने बिल्कुल स्टार है, क्या मजबूरी होती होगी? मजबूरी यही है कि उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, पूरी तरह से फिट नहीं है और शायद इसी वजह से उनको अपनी फिटनेस जो है वो फेक करनी पड़ती है। किसी भी तरह टीम में बने रहने का दबाव, अब सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं और आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब टीम के साथ बड़े बड़े फिजियो होते हैं, खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट भी पास करना पड़ता है। तो इसका जवाब भी हमने चेतन शर्मा से जानने की कोशिश की और इसके जवाब के साथ चेतन शर्मा ने बातों ही बातों में बुमराह, जसप्रीत बुमराह की चोट की भी पूरी कहानी बयां कर दी। जसप्रीत बुमराह देखिए मौजूदा दौर में टीम इंडिया के सबसे बड़े सबसे नामी तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। उन पर आखिर क्या बोले चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा और उन्होंने अपने बारे में ऐसा क्यों कहा कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते कहीं? देखिए 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सब खेलने को सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम सर। अनफिट खिलाड़ी टीम में जगह बनाए रखने के लिए खुद को कैसे फिट रखते हैं, इसका ये बड़ा खुलासा खुद आपने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर के मुंह से सुना। जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा के खुलासे यहीं खत्म नहीं हुए। ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है और क्यों दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड इसे रोक नहीं पा रहा, हमारे मन में ये ढेर सारे सवाल उठने लगे थे। इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास फिर डॉक्टरों की कमी है। सही बात है, डॉक्टर कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गया तो आप लोग भी अलाउ करते होंगे ना सारी चीज़? हमें पता ही नहीं सर, मुझे से पता लग गया। आप मैच खेलते 7-6 बजे तक ग्राउंड है, वही टीम मैनेजमेंट है, वही सारा कुछ है। वंस गाड़ी बस गई, बस से आप उतर के अपने कमरे में गए, मैं कोई आपके पीछे आदमी थोड़ा लगा देता, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता ना, मुझे भी लाइफ है, मुझे भी जाना है कहीं, मुझे वॉक करना है, मुझे डिनर पर जाना है, सब अपने अपने अलग अलग है। बट आई कांट ब्रेक द रूल, ब्रेक द रूल, आई डोंट नो हु इज ब्रेकिंग द रूल, वी डोंट नो हु इज ब्रेकिंग द रूल, हमें पता ही नहीं लगता। चेतन शर्मा का ये कहना था कि खिलाड़ियों के इस खेल को वो इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि खिलाड़ियों पर हर वक्त नजर रखना मुश्किल है और उन तक बातें पहुंचती ही नहीं है। सामने ये डर होगा ना आज भी कि ऐसा नहीं कर सकते 1% का सर, क्योंकि अगर आपने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन हम ले लेते हैं और इस तरीके की चीजें जो है अभी वो फैल भी जाती हैं एकदम सबके हाथ में, एवरीबॉडी खा रही 99.9%, बट लड़का सीधा पहले एमसीए रिपोर्ट करता है, 1% जिसको लगता है कि यार ऐसा हो सकता है करता नहीं होगा, हमें नहीं पता, वी कैन नॉट से दैट कि यहां करता है, हम ये भी नहीं कह सकते नहीं करता, ये वीडियो हमारे तक बात नहीं आती, वो कितनी बातें आएंगी यार, कितने लड़के 2500 लड़का खेल रहा है हमारे। अनफिट खिलाड़ियों की बात जब निकली तो बात शुरू हुई टीम इंडिया के स्टार बोलर जसप्रीत बुमराह की। वो बुमराह जिनकी चोट हर क्रिकेट फैन को परेशान कर गई थी, एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक जिनकी कमी टीम को खली। अब हम बुमराह की चोट की पूरी सच्चाई खुद चीफ सेलेक्टर के मुंह से सुनना चाहते थे। आया फिट था वो, अब वो फिट हुआ, हमने ये प्लान किया सिर्फ 2 मैच बचे थे हमारे पास, सीधा वर्ल्ड कप जा रहे थे। मेरा पॉइंट ये था कि हम तीसरा मैच खिलाते उसको, बट राहुल द्रविड़ और रोहित चाहते थे हम दूसरा मैच पाली खिलाते हैं, उसके बाद हम तीसरे में इसको रह देते हैं, इसको जल्दी भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे प्रैक्टिस मैच है वहां हम इसको 3-4 में से 2 खिलाते हैं, ठीक है। मैंने बुमराह से बात की, बुमराह तो पहला खेलना चाह रहा था, क्या सर मैं तो पहला खेलना चाह रहा हूँ। चेतन शर्मा इस बातचीत में तब की बात कर रहे हैं जब 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले बुमराह को एक सीरीज के लिए फिट घोषित किया गया था। वो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज, जहां 3 मैच होने थे। सेलेक्टर्स बुमराह को दूसरे मैच में खिलाना चाहते थे, बुमराह पहले मैच से ही वापसी करना चाहते थे, लेकिन सवाल था कि क्या वो इतने फिट हैं या फिर वर्ल्ड कप के लिए जल्दी कर रहे थे,
जिसका जवाब भी चेतन शर्मा ने खुद दिया। मैंने बुमराह से बात की, बुमराह तो पहला खेलना चाह रहा था, क्या सर मैं तो पहला खेलना चाहता, नहीं पहला नहीं खेला, दूसरा खेला। अब जब वो दूसरा खेला तो शाम को ही वो लेकिन अनकम्फर्टेबल, तो मेरे पास सुना है कि सर थोड़ा हम स्कैन के लिए सेकेंड मैच देते नो इज क्लियर सेकेंड मैच खिलाएंगे। अब मैनेजमेंट फंस गई, सेलेक्टर फंस गए कि यार ये अगर थोड़ा कंप्लेन कर रहा है, अगर हम इसको ऑस्ट्रेलिया उड़ा दिया हमने और वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया, टीम तो अनाउंस हो जाती है, उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर हमें पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है उसका। इसको देखो तो तेरा कैसे गया, नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक, दूसरा मैच। यानी बुमराह चोट से परेशान थे लेकिन टीम में बने रहने के लिए वो ठीक होने का दावा भी कर रहे थे। अनफिट बुमराह टीम में बने हुए थे और उन्हें तीसरा मैच भी खिलाया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि यॉर्कर के लिए मशहूर बुमराह ने चार ओवर में 50 रन दिए और एक विकेट भी हासिल नहीं कर पाए। बुमराह की चोट बड़ी थी और सामने वर्ल्ड कप खड़ा था। दूसरा मैच के बीच में शाम को मुझे मैसेज आता है कि हम दोबारा स्कैन के लिए। जब उन्होंने स्कैन किया तो स्कैन में कुछ ऐसी चीज दिखी कि ये वर्ल्ड कप में जाएगा जरूर, चला जाएगा, दो एक मैच या दो मैच की में टूट जाएगा। अगर हमने सर इसको खिलाया ही विल बी आउट ऑफ द सीन फॉर एटलीस्ट एक ईयर। अब सिलेक्शन कमेटी फंस गई, स्पोर्ट्स साइंस भी फंस गई कि अब क्या करें यार। तो हमने फिर क्या होता है कि हम तीनों बैठते हैं सामने कि अब क्या करें। चेतन शर्मा के मुताबिक इस सीरीज के बाद हुए स्कैन से ये साफ हुआ कि बुमराह की चोट इतनी बड़ी थी कि उन्हें लंबे समय तक दूर कर सकती है। तब जाकर बुमराह और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर रखने का फैसला लिया। हमने बुमराह को बुलाया, सब बात हुई, तो अगर सब नहीं खींच पाऊंगा आई विल ब्रेक डाउन, कोई फायदा नहीं होगा, तो टीम भी मरेगी उसके अंदर, तो प्लानिंग नहीं होगी आपकी, तो लेट इट गो। तो हमने बुमराह को छोड़ दिया, अदरवाइज हमने अगर उसको खिलाने होता पाकिस्तान वाला मैच ले जाते खिला देते, लेकिन वो मैच के बीच में दो बार डाल के इंजर्ड हो जाता। अगर अच्छा हम मुंह दिखाने लायक रहते कहीं ना, स्पोर्ट्स साइंस वालों की नौकरी आधी चले जाती, आधी हमारी चले जाती किसी की। बुमराह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप के अहम सदस्य थे, वो पूरी तरह फिट नहीं थे लेकिन तब भी उनकी फिटनेस के साथ ये चांस लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अभी तक पूरे फिट नहीं हुए हैं। बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शामिल किया तो गया था लेकिन तब भी वो पूरी तरह फिट नहीं थे और उनका नाम वापस लिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो टीम इंडिया में अनफिट होने के बावजूद खिलाड़ी फिट होने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। देखिए प्रीति, चेतन शर्मा ने बुमराह के बारे में क्या क्या कह दिया और ये जो इंजरी है ये ऐसी चीज है कि आपको क्रिकेट के सीन से ही बाहर कर सकती है। शायद यही एक बात है जिसको लेकर लोग अब इंजेक्शन वाली फिटनेस ला रहे हैं। चेतन शर्मा ये कह रहे हैं कि इंजरी के लिए ये तरीका अपनाते हैं और ये बात साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है लेकिन उन्हें इस बात की पूरी अच्छी तरह जानकारी है। टीम इंडिया में अनफिट होने के बावजूद खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर फिट होने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, ये खुलासा आगे होगा लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट में चेतन शर्मा ने क्या बड़े खुलासे किए। सीधे प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति बताइए और मैं आपको बताऊं क्या क्या खुलासे कर रहे हैं। एक और दिलचस्प बात दीपक जी यहां पे ये है और मैं दर्शकों को भी साथ साथ ये इसमें जोड़ना चाहती हूं कि जिस वक्त वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही थी, 2022 का वर्ल्ड कप हमारे लिए बड़ा स्टेज था, बड़ा मंच था, उस वक्त हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि जसप्रीत बुमराह कहां है, हमारे सबसे बड़े तेज गेंदबाज हैं, वो फिट क्यों नहीं है। तब चीफ सेलेक्टर ने या बीसीसीआई की तरफ से ये क्लैरिटी ही नहीं आ रही थी लेकिन आज इन खुलासों के जरिए हमें पता चल रहा है कि आखिर जसप्रीत बुमराह के केस में चल क्या रहा था। तो जी मीडिया पर टीम इंडिया और बीसीसीआई से जुड़े बड़े खुलासे आप देख रहे हैं और चेतन शर्मा का बड़ा दावा है कि इंजेक्शन लेने की जानकारी है पर उनके पास सबूत नहीं है। इस रिपोर्ट में जो दूसरी बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर जल्दबाजी की गई, यानी कि जल्दी से जल्दी जसप्रीत बुमराह को फिट डिक्लेयर करना था ताकि
उनकी टीम इंडिया में सिलेक्शन हो पाए और वो वर्ल्ड कप जाएं। वर्ल्ड कप से पहले बुमराह की चोट गंभीर थी और अब जो एक और बड़ा सवाल है वो ये उठता है कि क्या NCA यानी कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी को पूरी तरह फिट होकर वहां से पूरी तरह से फिट होकर नहीं आए थे जसप्रीत बुमराह। ये बड़ा सवाल है क्योंकि NCA में हर खिलाड़ी को भेजा जाता है दीपक जी जब भी वो चोटिल होते हैं कि आप वहां जाइए रिकवरी करके जब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा तब आपका वापस आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। तो NCA का क्या रोल था इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे बहुत बहुत सबसे मौजूद सवाल जो सबसे लॉजिकल सवाल है वो ये पूछना चाहूंगा इस खुलासे का अब क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चेक्स एंड बैलेंस लाए जाएंगे? प्रीति थोड़ा सा मुझे वो भी समझाइए। चेक्स एंड बैलेंसेस लाने की जरूरत तो है ही बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सवाल उठता है कि प्रेशर कौन डाल रहा है चीफ सेलेक्टर पर। अगर चीफ सेलेक्टर के पास पूरी तरह से फिट खिलाड़ी नहीं है तो NCA उन्हें फिट घोषित करके आगे क्यों भेजती है? पहले ही बोल दें कि भाई ये चोटिल है, अभी इनकी रिकवरी नहीं हुई है, ही इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो सही सवाल क्या है प्रीति ने? सवाल वाकई अब NCA पर भी है जहां से बुमराह को फिटनेस का सर्टिफिकेट देकर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में भेजा गया था, लेकिन एक ही मैच में उस फिटनेस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और दूसरे मैच तक उसकी चोट ज्यादा गंभीर हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक यानी करीब 5 महीने से बुमराह क्रिकेट से दूर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मौजूदा टेस्ट सीरीज में भी बुमराह टीम में नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या NCA में खिलाड़ियों को जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या वो भरोसे के लायक है या फिर जल्दबाजी में बड़े टूर्नामेंट के दबाव में आकर स्टार खिलाड़ियों को जल्दी फिट करने की रेस लगी है। लेकिन आपको यहां यह समझना भी जरूरी है कि आखिर खिलाड़ी छोटी मोटी इंजरी पर इंजेक्शन का पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? आखिर क्यों कुछ खिलाड़ी पूरी तरह फिट होने का इंतजार नहीं कर पाते और इस बेचैनी की आखिर वजह का है क्या है, क्यों अपने आप को जल्द से जल्द फिट डिक्लेयर करना चाहते हैं? आपको वो जवाब मिलेगा अगली रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन है जिसके बारे में चेतन शर्मा का दावा है कि वो कितनों को डुबा कर ले जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन कहते हैं क्रिकेट यहां धर्म की तरह है। हमारे देश में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी 2-4 साल में भुला दिए जाते हैं, लेकिन क्रिकेटर भगवान बन जाते हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है अगर किसी खेल से सबसे ज्यादा दौलत और शोहरत बनाई जा सकती है तो वो क्रिकेट है। इसलिए शहर शहर गांव गांव में लाखों युवा आंखों में टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना लिए और हाथ में बैट बॉल थामे आपको 22 गज की पिच पर पसीना बहाते हुए दिखेंगे। लेकिन लाखों में ज्यादा से ज्यादा कितने खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह बना पाते हैं इसे आप भी समझते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में पहले नंबर से लेकर 11वें तक एक एक स्थान के लिए कई दावेदार हैं। किसी को मौके मिलते हैं तो कईयों का करियर मौके का इंतजार करते करते ही खत्म हो जाता है। इतनी तगड़ी प्रतियोगिता के बीच अगर किसी खिलाड़ी को टीम इंडिया में जगह मिलती है तो वो छोटी मोटी इंजरी की वजह से टीम से बाहर होना नहीं चाहता। ऐसे में वो खिलाड़ी खुद को 100% फिट दिखाने के लिए इंजेक्शन लेता है। ये दावा है BCCI की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा का। सब स्टार बनना चाहते हैं, सब सुपरस्टार विराट कोहली बनना चाहते हैं। तो मैं किसी को उठ के कहूँ कि यार वो लड़का जानबूझ के बना, कोई नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कहते हैं हमें खेलना है, हम विड्रॉ करते हैं कि नहीं यार मत, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि लड़के को पता है ना अगर मैं हटा कोई दूसरा आया। चेतन शर्मा की बातों से लगता है कि खिलाड़ियों पर जगह छिन जाने का दबाव ज्यादा है और जिन खिलाड़ियों पर इस तरह का दबाव है वही इंजेक्शन के खेल में भी शामिल होंगे। चीफ सेलेक्टर ने यहां एक ऐसे युवा खिलाड़ी के बारे में बात की जिसकी वजह से 3 खिलाड़ियों का करियर अधर में लटका है। अब जैसे ईशान किशन वो इंजर्ड हुआ, ईशान किशन अंदर आया, कितनों को डूब के ले जाएगा ईशान किशन? ऋषभ पंत की प्रॉब्लम आ गई, शिखर धवन लिटरली बाहर हो गया टीम में से, संजू सैमसन कर गया, एक नॉक ने 3 लड़कों को लटका दिया, सेलेक्टरों के लिए मुसीबत खड़ी हुई। अब तुम कैसे डालोगे 3-3 विकेट लीपर टीम? KL राहुल विकेट लीपिंग करता है,
ईशान किशन है ही टीम में, आप डाल के दिखाओ ना तीसरा विकेट कीपर। अब जैसे तुम संजू सैमसन को नहीं डालोगे, वो पीछे से अच्छा करता है, पर ट्विटर पे तुम्हारी उड़ा देंगे लक्ष्मण। क्या करें फैक्टर जी, तो अब उसमें खेल किशन जो किया कोहली नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई प्लेयर जगह छोड़ना नहीं चाहता। उनको पता है कोई आया उसने कुछ कर दिया ऐसा, अच्छा दो साल वेट करना पड़ेगा मुझे, इसलिए वो इंजुरी की बात ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेल जाने सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना, तो वो प्रॉब्लम था। मेरा तो खेलना था, ले लेना सर। हाल ही में वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर ईशान किशन ने सनसनी मचा दी, और ऐसा ही एक दोहरा शतक बनाकर युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। चेतन शर्मा से हमारी बातचीत ईशान किशन के दोहरे शतक के बाद और शुभमन गिल के दोहरे शतक जड़ने के बीच हुई थी, इसलिए उन्होंने ईशान किशन के बारे में बताया कि उनके दोहरे शतक ने तीन खिलाड़ियों का करियर करीब करीब डुबो दिया है। उन्होंने खास तौर पर शिखर धवन, संजू सैमसन और केएल राहुल का जिक्र किया। हालांकि ईशान किशन ने वनडे में ओपनिंग करते हुए दोहरा शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद भी अगली सीरीज में ईशान किशन को ओपनिंग स्लॉट नहीं मिला, बल्कि चौथे नंबर पर उन्हें खेलने का मौका मिला, वो भी इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से टीम इंडिया से बाहर हो गए। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। गेम ओवर पर आप प्लीज ट्वीट करिए, क्योंकि आप जानते हैं क्रिकेट आपका सबसे प्रिय गेम है, उसके बारे में अगर कोई इतना बड़ा खुलासा कर रहा है तो गेम ओवर हमारा हैशटैग उस पर ट्वीट करना ना भूलिए। और प्रीति, चेतन यही नहीं रुके हैं, और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी तक समाप्त कर लेते हैं कि चेतन ने क्या क्या कहा है। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया में इस वक्त प्लेइंग 11 में जगह बनाने की ऐसी होड़ लगी है कि कोई खिलाड़ी एक भी मैच के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहता, फिर चाहे उसे भले ही अपनी छोटी चोटों को छिपाना पड़े और इसके लिए भले ही इंजेक्शन का तरीका इस्तेमाल करना पड़े, ये दावा है चेतन का। और यही आपको एक्सप्लेन करेंगी प्रीति, क्या क्या कहा है पॉइंटर के साथ, रिकैप प्रीति। बिल्कुल, आपने जैसे कि कहा दीपक जी कि वाकई में क्या ये गेम ओवर वाली सिचुएशन आ गई है, क्योंकि ये जो खुलासे आज हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं वो एक बार मैं समराइज करना चाहती हूँ। इस रिपोर्ट में चार बड़े दावे जो चेतन शर्मा ने किए हैं वो आप जरा देख लीजिए। ये जानिए कि उन्होंने सबसे पहले कहा है कि टीम इंडिया में कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। हाइट ऑफ इनसिक्योरिटी आप देख लीजिए कि कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह इस वक्त नहीं छोड़ सकता, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी फिटनेस को फेक क्यों ना करना पड़े। अब उनका दावा है कि ईशान किशन कितनों को डुबाकर जाएगा, क्योंकि ईशान किशन ने क्या किया है, दोहरा शतक उन्होंने ठोक दिया, अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया। वनडे क्रिकेट में तीन खिलाड़ियों की जगह खतरे में पड़ गई ईशान किशन के उस दोहरे शतक के चलते, और चीफ सेलेक्टर मानते हैं कि चयन समिति पर संजू सैमसन के चयन को लेकर भी दबाव रहता है। संजू सैमसन एक ऐसे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं जो बार बार खासकर ट्विटर पर बहुत ट्रेंड करते हैं, जैसे ही वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक बार फिर से सिलेक्शन कमिटी उन्हें इग्नोर करती है तो संजू सैमसन का नाम जो है वो जमकर ट्विटर पर फेमस होता है, पॉपुलर होता है, ट्रेंड होता है, उसके चलते दबाव बढ़ता है। खासकर ट्विटर पर लोग संजू के पक्ष में अभियान चलाते हैं। और चेतन शर्मा ने आगे और भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा है विराट कोहली से जुड़ा हुआ। ये भी बताया है कि कैसे कुछ खिलाड़ी टीम में ज्यादा बड़े हो गए हैं और कैसे आराम के नाम पर अलग अलग खेल चल रहा है। लेकिन उससे पहले चेतन शर्मा के इंजेक्शन वाले इस खुलासे पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, शेखर लूथरा है, राहुल बैनर्जी हैं, और साथ ही जसविंदर सिद्धू भी हमारे साथ, एक और वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन दीपक जी, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने एक्सपर्ट्स से ही। शेखर, आपने बहुत समय कितना कवर किया है आपने शेखर क्रिकेट को, गेम ओवर हमने इसको नाम दिया है, गलत नहीं होगा? चीफ सेलेक्टर ने जो जो खुफिया कैमरे पर बातें कबूल की हैं, शुरू करते हैं उस फर्जी इंजेक्शन से जो हेल्प करता है बड़े बड़े खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस फेक करने में। देखिए, इंजेक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। इंजेक्शन सिर्फ ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ एक दर्द के लिए लिए जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ दर्द के लिए ले रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये एक चीज़ चलती है, वर्ल्ड वाइड चलती है, कि आपने सिर्फ उस दर्द को उस पर्टिकुलर मैच के लिए किया।
लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको इंजरी लगातार रही है, ऐसे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, खासकर जब आप बुमराह की बात कर रहे हैं, फिटनेस हमेशा से प्रॉब्लम रही है उनको। लेकिन क्या बुमराह लगातार इंजेक्शन ले रहे थे? अगर ले रहे थे तो किस तरह के ले रहे थे? अगर आप दबाव में ले रहे थे, देखिए दबाव तो होगा ही, दबाव तो देखिए आजकल क्रिकेट अगर आपको ओवर द ईयर खेलना है, पुराना क्रिकेट तो है ना कि आपको कुछ लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ तो करोड़ों रुपए का सौदा है। अब जो चेतन शर्मा खुद है, खुद भी तो करोड़ों का ही तो खेल खेल रहे हैं। अगर एज ए चीफ सेलेक्टर आपको ये सब कुछ पता है और आप फिर भी दबाव में आ रहे हैं संजू सैमसंग या किसी और के कि उनको नहीं खिला पा रहे हैं, दैट ऑल्सो शोज कि आप कितने ज़्यादा नाकाम हैं एज ए चीफ सेलेक्टर। आपको कोई पूछ नहीं रहा, चेतन शर्मा प्रॉबेबली पिछले कुछ टाइम में, खैर पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी खराब सेलेक्टर आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन चेतन शर्मा वन ऑफ द वीकेस्ट है फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ता भी है। इनका जो जो सिलेक्शन का जो जो प्रोसीजर था, अगर आप पूरा देखें तो वो बीजेपी और जिस तरह का होता है, तो इसमें कोई खैर गलत और ठीक नहीं हो सकता, इन्होंने मैचेस भी खेले सब कुछ, बट पॉइंट इज डज ही हैव ए से इन टीम सिलेक्शन, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्या इनकी तरह से टीम सेलेक्ट होती है, क्या इनके कहने से कोई फर्क पड़ता है, वहाँ पर मैं कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट चीफ सेलेक्टर्स जो हमने रिसेंट टाइम्स में। लेकिन राहुल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा इस पूरे खुलासे का, चेतन तो कह तो गए, अब झोंक झोंक में वो कह गए, कई सारी बातें कह गए, उनको नहीं पता था खुफिया कैमरा है, ऑब्वियसली हिडन कैमरे का ऑपरेशन। मैं सीधे सीधे आपसे जानना चाहूंगा इम्पैक्ट क्या होगा इसका भारतीय क्रिकेट पर, जो सबने कहा मैं करोड़ों नहीं मानता, मैं तो बोलता हूँ अरबों का खेल है, अरबों का खेल है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड है हमारा, उसके चीफ सेलेक्टर ऐसी चीजें एडमिट कर रहे हैं खुफिया कैमरे पर, बड़ा सवाल है। दीपक प्रीति, अब हम ऐसे जमाने से गुजर रहे हैं कि ये चीजें उठेंगी, कितने जोर से आगे ले लिए जाएंगी, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकली है कि ऐसे हो रहा है। दूसरी एक्चुअली मेन थिंग इज, शेखर विल ऑल्सो अग्री, हर स्पोर्ट्स जो एथलीट है जो खेलता है वो इंजरी लेके चलता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर करियर, वेदर इट इज़ अ लो लेवल जूनियर लेवल। अब इनको मैनेज करना किस तरह हो रहा है, अब ये जो इंजेक्शन की बात हो रही है, ये किस तरह की इंजेक्शन यूज़ करी जा रही है? अब हाल ही में BCCI ने वाडा के साथ दे हैव फाइनली एग्रीड टू कम अंडर द डोप कंट्रोल, बहुत टाइम तक अवॉइड किया, बहुत जब 2-3 साल पहले, उसमें भी उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो वेयर अबाउट्स क्लॉज है, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज फॉर वट एवर रीजन, अब उन्होंने एक ये कहानी बना रखी इसको लेके। तो ये जो है, दीज थिंग्स आर हाउ द बोर्ड विल मैनेज, सबसे पहले तो इसको इसका फॉलोअप मैनेज करना पड़ेगा कि उन्हीं का चीफ सेलेक्टर ऑन कैमरा ये सब बोल चुका है। राहुल मैं एक लाइन बताना चाहूंगा, हम नंबर वन ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, प्लीज ट्वीट कीजिए गेम ओवर, क्योंकि आपके सबसे पसंदीदा खेल के बारे में इतना बड़ा खुलासा किया राहुल। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर रिपोर्टर, जैसे ही उन्होंने इतनी बात निकाली है चीफ सेलेक्टर के मुंह से, वेदर शेखर says he is not very powerful, he doesn't have much of say, but the fact is he is the chief selector, unke muh se ye baat nikli hai, pad ka chamatkar hota hai, bilkul wo baat nikalna bhi ek itna aasan baat nahi hai। तो ये अब जैसे मैंने कहा भी BCCI इसको डैमेज कंट्रोल क्या करेगी, किस तरह से इसको के फॉलोआउट को कंटेन करेगी, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। किस्सा है, दिस इज जैसे आप लोग कह ही रहे हैं कि इतने बड़े पैसों का खेल है, कोई भी खिलाड़ी अगर टीम से निकल जाता है तो उसका इमीडिएटली उसका लॉस होना शुरू होता है, चाहे वो मैच फीस में हो, चाहे वो एंडोर्समेंट्स में हो, चाहे हर जो भी चीज को कमर्शियलाइज कर दिया गया है, और उस कमर्शियल एंगल से ही हर चीज डिसाइड हो रही है। राहुल मेरे ख्याल से आप ये बहुत बड़ी चीज जो है हाईलाइट कर रहे हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो खुलासे हमने अभी आप सबके सामने रखे हैं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में, वो सिर्फ बोलते ना टॉप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत कुछ बाकी है, ऊपरी परत अभी सिर्फ निकल के सामने आई है। 8 बजे आप ये प्रोग्राम, पूरे 2 घंटे का प्रोग्राम हमारे साथ रहिए, 8 बजे आपको एक और बड़ा खुलासा बताने वाले हैं, जिसमें नाम जो है वो और भी बड़े बड़े सामने आएंगे। नाम नहीं बताएंगे प्रीति, लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा जो क्रिकेट का नाम है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि नापा नहीं जा सकता उनका दो को, उनके बारे में साफ साफ बात की है चेतन शर्मा। वही बात है ना, और दीपक जी कहते हैं ना क्योंकि क्रिकेट इज अ रिलीजन, जब धर्म की बात हो तो आप नाप ही नहीं सकते हैं, लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हैं इस खेल के साथ वो बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर जुड़ी है। एक बार जसविंदर सिद्धू जी का भी रुख कर लेते हैं। जसविंदर जी, आपने देखा हमारा ये खुफिया कैमरे पे जो चीफ सेलेक्टर ने एडमिट किया है, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इंजेक्शन लेकर हमारे जो टॉप स्टार खिलाड़ी हैं उन्हें फिट डिक्लेयर किया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द बड़ी सीरीज में, बड़े टूर्नामेंट्स में टीम में शामिल हो, या ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि NCA जैसी संस्था भी आपको शायद कहीं ना कहीं सही रिपोर्ट नहीं दे रही है?
देखिए मेरे को दो चीजें समझ नहीं है आपकी इस रिपोर्ट में। एक तो जो आपका जो इन्वेस्टिगेटिव जो भी रिपोर्टर रहा हो जिसने कैमरे का इस्तेमाल किया है उसने चेतन शर्मा से सवाल क्या किए थे, ठीक है। दूसरी बात मेरे को ये सबसे जरूरी जो समझना चाहूंगा मैं, चेतन खुद बोल रहे हैं कि ये जो बाडा की लिस्ट में नहीं आते या बाडा की डिटेक्शन में नहीं आते तो ये इलीगल कैसे है, मेरे को ये चीज समझ आती है। इंजेक्शन में कम से कम नहीं तो कम से कम 3,000 के करीब ऐसी मेडिसिन है वाडा की लिस्ट में जो इंजेक्शन की वो बैन है, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये वो एंटी डोपिंग में नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि ये हमको समझना पड़ेगा अंटिल अनलेस जब तक ये बताएंगे पर्टिकुलर। जसविंदर जी मैं एक क्लैरिटी देना चाहूंगी, मैं बस एक क्लैरिटी देना चाहूंगी, हम यहाँ पर डोपिंग की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसी जल्दबाजी क्यों मचानी है, जब आपका खिलाड़ी 80-85% ही फिट है तो आप क्यों जबरदस्ती 100% फिट डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये जल्दबाजी क्यों? पर मेरे मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये मेडिकल टर्म में इलीगल कैसे है, मुझे समझना है कि किसी अगर आपने इंजेक्शन लिया है जो लीगल टर्म में जायज है तो वो कैसे गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये इंजेक्शन लेते हैं जो डिटेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और हमेशा जो एनसीए में भी होता है आपका रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होते हैं, मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये किस कौन से इंजेक्शन लिए गए। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई नाम है किसी इंजेक्शन का तो मैं उसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है कि जो परफॉर्मेंस इनहांस है या आपकी एक जो इंजरी है आपकी विद इन द एक मिनट जसविंदर जी मैं आपको एक मिनट के लिए रुकूंगा, मैं आपको ये पूरा स्टेटमेंट चेतन का फिर से सुनाता हूँ। वो खुद ही एक तरह से ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई फिट नहीं है खिलाड़ी लेकिन इंजेक्शन लेके फिट हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कौन सा इंजेक्शन, क्या इंजेक्शन, जो जसविंदर जी की बात है उसका जवाब देने के लिए फिर से सुन लीजिए चेतन ने कहा क्या। इंजुरी की बात ले जाते हैं 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना 85% में भी हमें बोलते हैं सब खेलने को सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं मारना था। अगर की जैसे बुमरा बोला झुकी नहीं मारे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है, अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बनवा जाते हैं ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेने देंगे सब फिट है हम तो, ठीक है। क्या क्या जल्दबाजी ऐसी कि नहीं मैंने तो खेलना ही है, मैं अगर 80% फिट, जैसे मैं मुझे किसी दिन गला खराब है ठीक है मैं एंकर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छी बात नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी एंकर कई परिस्थितियों में करना पड़ता है, लेकिन उससे आपके परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। देखिए दो तरह की चीज़ें जो सिद्धू कह रहे थे आई एग्री विद हिम, आपके दो तरह के इंजेक्शन हैं, एक है पेन किलर सिंपल जो कि जिसको ले लेकर के मोहम्मद शमी 2015 का पूरा वर्ल्ड कप खेले थे अगर अच्छा। आपको याद हो उनकी नी इंजरी थी और ये सभी जगह पे सबने रिपोर्ट किया था कि उनकी इंजरी है, लगातार इंजेक्शन उनका कैरियर खत्म हो सकता है, और एक टाइम पे ऐसा लगा भी उसके वो काफ़ी दिन बाहर भी रहे, टीम से भी बाहर रहे, लेकिन उसके बाद अब कम बैक कर रहे हैं। एक वो है, एक दूसरा है जब आप कह रहे हैं कि जैसे आप 80-85% फिट है आज रात को और कल खेलना है तो इसके लिए आप कई बार स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, तो अब इसमें दो तरह की चीज है। फिर से वही बात आ गई, आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप कोई भी आईसीसी का, उसमें आप वाडा के अंडर है, वाडा के आप सिग्नेटरी हैं, तो वहां आपकी डोप टेस्टिंग डिफरेंट तरह की है। अगर आप डोमेस्टिक बायलेटरल सीरीज खेल रहे हैं, कोई भी बीसीसीआई का खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, उसमें आपकी कोई स्वीडिश कंपनी लेती है, उसमें आप नाडा के साथ भी जो वेयर अबाउट की बात कर रहे थे वो भी नहीं है, उसमें आप स्टेरॉइड ले रहे हो या नहीं, आपने के क्या कितने लोगों की डोप टेस्ट हो रही है, ये दोनों तरह की चीज़ है। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो वो एक प्रॉब्लम है, अगर आप सिंपल एक इंजेक्शन ले रहे हो जो कि कई लोग ले सकते हैं, जो मैं भी अगर कोई दर्द हो उसको इमीडिएट उसको ठीक करने के लिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चेतन बात कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, अपना कैरियर बचाने के लिए आप गलत तरह के इंजेक्शन ले रहे हो मैक्सिमम टाइम, और आप किसी प्रेशर में किसी दबाव में ये सब कर रहे हो, क्योंकि चीफ सेलेक्टर ने भी इस खुफिया कैमरे पे साफ एडमिट किया है कि देखिए कोई भी खिलाड़ी जो है बाहर नहीं बैठना चाहता, हैशटैग गेम ओवर जी, नंबर वन ट्रेंड, बिल्कुल नंबर वन ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर इस वक्त, और बड़ी खबर भी यही है कि हैशटैग गेम ओवर जो कि चेतन की है किसी और, आप बताइएगा, ये तो विश्लेषण देखिए क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा
कमाल की बॉडी है, क्रिकेट बोर्ड में आप कोई बोल नहीं सकते। और आजकल का क्रिकेट बोर्ड तो और अलग हो गया, लेकिन ये ट्रेंड कर रहा है, इसका ये मतलब ये है कि दुनिया अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। नहीं, दुनिया अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन चेकर, आप कह रहे ना बड़े कमाल की बॉडी है, तो कमाल की बॉडी में क्या क्या कमाल होते हैं ये भी दिखाएंगे हम आपको। अब हम कोई खुलासा नहीं कर रहे, लेकिन हम बताएंगे कि कमाल की बॉडी में क्या क्या कमाल होते हैं। लेकिन उससे पहले, और उससे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि इस वक्त अगर आप ट्विटर खोलेंगे तो नंबर वन ट्रेंडिंग जो है #GameOver जी न्यूज पर, हमारे तमाम चैनल्स पर इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी स्पेशल ब्रॉडकास्ट है ये लाइव जा रही है और लगातार गेम ओवर ट्रेंड कर रहा है। 2000 से ज्यादा ट्वीट्स इस हैशटैग को यूज करके हो चुके हैं और आज की बड़ी खबर इसका मतलब यही है, एजेंडा सेटिंग की है जी न्यूज ने। हमारे तमाम चैनल्स इस वक्त इस खबर पर फोकस कर रहे हैं और आज शाम की प्राइम टाइम की बड़ी खबर यही है जो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं और ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर। हैशटैग गेम ओवर के जरिए आप भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप जरूर इस हैशटैग को यूज कीजिए और आपकी क्या राय है, जैसा कि शेखर लूथरा हमसे पूछ रहे थे कि ये गेम ओवर किसके लिए है, ये गेम ओवर क्या चीफ सेलेक्टर के लिए है, क्या उन खिलाड़ियों के लिए है जो कहीं ना कहीं जिन पर फोकस चल रहा है, अपनी फिटनेस को फेक कर रहे हैं या इंजरीज को फेक कर रहे हैं उन पर है, तो आपकी क्या राय है ये हैशटैग यूज करके जरूर बता सकते हैं दर्शक। राय बताएं लेकिन हमारे साथ जुड़े भी रहें, क्योंकि अभी जो कमाल की बात क्रिकेट की थी, वाकई क्रिकेट भारत के लिए बिल्कुल कमाल है और इस कमाल की जो क्रिकेट है, इस कमाल की क्रिकेट के बारे में क्या कमाल कमाल की बातें चेतन ने कही हैं आपको अभी दिखाना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब तक आपने देखा 80% में भी ये तो बनवा लेते हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देने सब फिट है हम तो। टीम इंडिया में कैसे इंजेक्शन के जरिए फर्जी फिटनेस हासिल की जा रही है, कैसे खिलाड़ी नियमों को ताक पर रखकर टीम में बने रहने की होड़ में लगे हैं, कैसे बोर्ड सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप देखिए वो खुलासा जो आपके पसंदीदा स्टार से जुड़ा है, वो खुलासा जो भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवाद से जुड़ा है। अगले एक घंटे में चेतन शर्मा बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया में ईगो की लड़ाई खेल पर भारी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, दो ईगो क्लैश है। विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच हुए विवाद का असली सच क्या था, रोहित और विराट के बीच मनमुटाव की खबरों की असली वजह क्या है, देखिए गेम ओवर का अगला हिस्सा। ये मिलियन डॉलर सवाल है इस सदी का, मतलब इस क्रिकेटिंग जगत के हाल के 10 सालों की बात कर ली जाए तो ये मिलियन डॉलर सवाल है कि ये ईगो क्लैश क्या था, और इसका जवाब दे रहे हैं खुद चीफ सेलेक्टर। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ दीपक जी कि अभी तक अगर हम इंडिया में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं तो इस टीजर के साथ हो सकता है हम ग्लोबली भी टॉप ट्रेंड करें, क्योंकि गेम ओवर में दो बड़े नाम आ गए हैं, सौरव गांगुली विराट कोहली ग्लोबल स्टार्स हैं इस वक्त क्रिकेट पर। जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, हमारा जो हैशटैग है गेम ओवर, इस पर देश और दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है और गेम ओवर इस वक्त ट्विटर पर नंबर वन ट्रेंड कर रहा है, साथ ही हैशटैग जी न्यूज भी टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। यानी कि जी न्यूज ने आज प्राइम टाइम में इस खुलासे के जरिए एजेंडा सेटिंग की है, गेम ओवर क्रिकेट से जुड़ा इतना बड़ा खुलासा जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो दीपक जी अब आने वाला है तो बहुत कुछ बड़े बड़े खुलासे हैं। जी हाँ, बहुत बड़े खुलासे हैं और ये बड़े खुलासे किस किस के बारे में है, दो चेहरे आपने देखे, सौरव गांगुली जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को तेवर दिए, विराट कोहली जिन्होंने स्टाइल दी, स्टेमिना दिया, फिटनेस दी,
उस तेवर में भी चार चांद लगाए अगर ये कहा जाए गलत नहीं होगा, फिर दिक्कत क्या है वही तो बताएंगे। और अब वो खुलासा जो सौरव गांगुली से जुड़ा है, वो खुलासा जो विराट कोहली से जुड़ा है, वो खुलासा जो बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के कप्तान के बीच हुई लड़ाई से जुड़ा है। बिल्कुल, और ये खुलासा जो है मैं यहाँ बैठकर नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर अब ये जो हमारा दूसरा चरण है आज के इस खुलासे का, इसमें खुफिया कैमरे पर चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने क्या कुछ बताया है। आप देखिए कि भारतीय, आप खड़ी हुई है, हमारे दर्शक भी अब खड़े हो गए क्योंकि बात हो रही है दादा की और बात हो रही है विराट की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देखिए, भारतीय क्रिकेट में 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा विवाद भी कह सकते हैं आप इसको, इसका सच पहली बार बीसीसीआई की जो कोटरी है उसके बाहर आ गया है। बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर यह खुलासा किया है कि सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद में कौन सही था, कौन झूठ था, और ये तमाम विवाद मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। जो खुलासे हैं वो हम इस बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। पहले आप इस विवाद से जुड़ी, इस खुलासे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ईगो का विवाद है। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर एक ऐसा बड़ा खुलासा भी किया जो बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच हुए विवाद पर था। आप भी जानना चाहते होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का बॉस मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी के निशाने पर क्यों आ गया। आखिर क्यों बीसीसीआई के दादा को विराट ने पूरी दुनिया के सामने चुनौती दे दी। आज आपको यह भी पता चलेगा कि वनडे टीम से विराट कोहली की कप्तानी छीनने में सबसे बड़ा रोल किसका था। यकीन मानिए, इन सभी सवालों के प्रामाणिक जवाब आपको पहली बार मिलने जा रहे हैं। प्रामाणिक इसलिए क्योंकि ये जवाब एक ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो बीसीसीआई की चयन समिति का चेयरमैन भी है और उस पूरे विवाद का सबसे अहम किरदार भी। हमारा मतलब चेतन शर्मा से है। अच्छा सर, जैसे आप सिलेक्टर बने उसी दौरान सर ये विराट कोहली और सौरव गांगुली का एक विवाद आया, बकायदा मीडिया में बोला, उस विवाद के बारे में हल्का सा बताइए। इस समय देखो मैं सीट पर रहूंगा तो इस समय मैं बता नहीं पाऊंगा। ये ऑफ रिकॉर्ड सर, बेसिकली मैं आपके कोर्ट से फिल्म में कहीं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, हमारी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है, वो मेरा रिसर्च है सारा। वो आप मेरे देखिए, वो क्या होगा ना कि प्लेयर और प्रेसिडेंट के बीच में जो विवाद जो होता है ना, बहुत खतरनाक विवाद है। ठीक है सर। वो खतरनाक विवाद है कि क्या है कि प्लेयर अगेंस्ट बीसीसीआई होता है, प्रेसिडेंट तो बीसीसीआई है ना, उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सीधा ये बीसीसीआई पर अटैक होता है, विच सब प्लेयर को मना किया जाता है कि नहीं नुकसान प्लेयर के लिए। सही बात है सर। उसमें सब क्या होगा कि उसमें सब इकट्ठे हो जाएंगे, बेशक गलती प्रेसिडेंट की हो, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ द चेयर। शुरुआत में चेतन शर्मा ने अपने पद का हवाला देकर इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी हम पर उनका भरोसा बढ़ा और फिर उन्होंने विवाद की असली वजह बतानी शुरू कर दी। जब आपकी प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, मेरा तो कुछ बाल नहीं बनता कर सकते, मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। तो कभी हुआ है, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, क्रिकेट तो वही का वही जाता है। तो वो उसने उस समय हिट मारने की कोशिश की प्रेसिडेंट को कि मुझको तो कभी सौरव गांगुली ने ये बात बोली नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी इशू हो गया, या तो प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है या विराट सच बोल रहा है, बहुत बड़ा इशू हो गया था, ये तो हंगामा हो गया था। ईगो का व्यवहार है, उनका तो मैं पढ़ा हूँ, उनका तो मैं पढ़ो ईगो का व्यवहार है। सौरव गांगुली भी कप्तान रहा है देश का, बहुत बड़ा कप्तान, मोस्ट
ट्रस्टवर्दी एंड मोस्ट इनको उसको आदमी कहा जाता है, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बोला जाता है, तो विराट को लगता है वो बहुत सक्सेसफुल है। उसने कुछ बोला, उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, ऐसी बात तो मुझे कभी नहीं बोली उसने, और टकराव हो गया दोनों के बीच में। टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों का चयन करने वाली समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा के मुताबिक गांगुली और विराट के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह थी ईगो। विराट कोहली को लगने लगा था कि उनका कद क्रिकेट से बड़ा हो गया है। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट ने बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष सौरव गांगुली पर जानबूझकर पलटवार किया। क्यों कहा विराट ने, और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। चेतन शर्मा विराट कोहली की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही विराट और सौरव गांगुली के बीच विवाद शुरू हुआ था। टी20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है, और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया, उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप टी20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ODI और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। विराट का वो बयान आपने देखा, अब आप गांगुली कोहली विवाद का पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। साल 2021 में टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात कर रहा था। विराट कोहली टीम के कप्तान थे और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वर्ल्ड कप के बाद वो टी20 की कप्तानी नहीं करेंगे। टीम इंडिया का प्रदर्शन उस वर्ल्ड कप में बेहद खराब रहा, टीम दूसरे राउंड में भी नहीं पहुंच पाई। बदकिस्मती देखिए, जिस पाकिस्तान से भारत किसी वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारा था, उसने भी विराट की टीम को 10 विकेट से हरा दिया। उस वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने 5 मैच में सिर्फ 68 रन बनाए, इनमें से 57 रन तो सिर्फ एक पारी में उन्होंने बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट टी20 के लिहाज से औसत दर्जे का भी नहीं रहा। तो क्या विराट के दिमाग में कप्तानी को लेकर पहले से कुछ चल रहा था? टी20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान करने के बाद से ही क्या विराट और BCCI के बीच तलवारें खिंच चुकी थी? क्या उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ही लगने लगा था कि आगे उनकी राह और मुश्किल होने वाली है? क्या वो विवाद की वजह से प्रेशर में थे? क्या इन्हीं वजहों से विराट कोहली का प्रदर्शन सीरीज में खराब रहा? उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट और टी20 मैच खेलने भारत आई। टेस्ट मैच में कप्तान विराट ही थे, लेकिन टी20 सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे और विराट आराम कर रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका जाना था, जहां टेस्ट और वनडे मैच की सीरीज खेलनी थी। 8 दिसंबर 2021 को चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने जब टीम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान तो थे, लेकिन वनडे में उनकी जगह रोहित शर्मा को नया कप्तान बना दिया गया। विराट के मुताबिक उन्हें वनडे में नए कप्तान के बारे में सिर्फ 1.5 घंटे पहले बताया गया। ये दावा उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर थी, जिसे विराट कोहली टेस्ट कप्तान के रूप में एड्रेस कर रहे थे। I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed, and before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine.
विराट ने मीडिया के सामने दावा किया कि जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी तो BCCI ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा दावा बोर्ड के प्रेसिडेंट कर रहे थे। सौरव गांगुली ने मीडिया में कहा था कि उन्होंने विराट को T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की सलाह दी थी। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। इतना तो तय था कि गांगुली और विराट में से किसी एक का दावा गलत है, लेकिन गलत कौन है, झूठ कौन बोल रहा है, इस सवाल का जवाब जाने बिना हम भी चेतन शर्मा के घर से जाने वाले नहीं थे। हमने चेतन शर्मा से पूछा, आखिर विराट का मकसद क्या था, विराट ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा विराट ने? और कोई वो ऐसे कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वो, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। उसका मकसद क्या था? उसका यही मकसद वही बता सकता है, फिर भी एक हल्का सा बताइए। मकसद तो यही कि उसको ये लग रहा था कि मेरी जो कैप्टनशिप गई है वो प्रेसिडेंट की वजह से गई। BCCI की चयन समिति के चेयरमैन ने ये तो बता दिया कि विराट को ऐसा लगता था कि उनकी कप्तानी सौरव गांगुली की वजह से गई, इसलिए विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सौरव गांगुली पर पलटवार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर झूठ कौन बोल रहा है, इस सवाल का जवाब खुद BCCI के चीफ सेलेक्टर देने जा रहे हैं अब से कुछ ही सेकंड में। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो प्रीति, कई दिलचस्प कमेंट भी आ रहे होंगे ट्विटर पर, वो भी देख लीजिए और मुझे बताइए कि इन कमेंट्स में कोई ऐसी बात कह रहा है जो चेतन शर्मा के पुराने छक्के को जो आखिरी बॉल पे पड़वाया था 1986 में, उसको याद कर रहा हूँ। उसको भी याद कर रहे हो, और मैं सबको सलाह दे देती हूँ कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बहुत कुछ है जो अभी आपको गल्प डाउन करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गेम ओवर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो कर ही रहा है, लेकिन पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के मुताबिक इस सागा में, यानी कि विराट कोहली और सौरव गांगुली का जो ये सागा हमने पिछले पूरे साल देखा, उसमें आखिर हुआ क्या? विराट को लगा कि गांगुली की वजह से वनडे में कप्तानी उनकी चली गई। उन्होंने दावा किया कि गांगुली और विराट के बीच ईगो का विवाद था, यानी कि ईगो वॉर चल रही थी BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और उस वक्त टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के बीच, और ईगो की वजह से गांगुली और विराट में टकराव हुआ और बात इतनी आगे बढ़ गई। एक और बड़ी बात जो सामने आई है, जो कि चीफ सेलेक्टर ने खुफिया कैमरे पर कही है, वो ये कि विराट कोहली खुद को खेल से बड़ा समझने लगे थे। विराट ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मच पब्लिसाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानी विवाद का जिक्र किया। हालांकि ये जो तमाम चीजें होती हैं ये कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन चीफ सेलेक्टर कैमरे पर ये एडमिट कर रहे हैं कि जानबूझकर विराट कोहली ने उस विवाद का जिक्र किया और विराट ने प्रेसिडेंट को हिट करने की मंशा के साथ ही उस विवाद का जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जी मीडिया हमारे तमाम चैनल्स इस वक्त जो ये हमारा स्पेशल शो है वो दिखा रहे हैं, हैशटैग गेम ओवर ट्रेंड कर रहा है, और जिस ट्वीट की बात अब से कुछ देर पहले दीपक जी कर रहे थे वो ट्वीट सामने आ रहे हैं। एक एक करके वो ट्वीट्स में रख देती हूँ आपके, कि आखिर लोगों का इस वक्त क्या कहना है। देखिए, This could be bigger than last ball 6 at Sharjah in 1986. ये बहुत दूर तक हिट करेगा। ये जो सिक्सर मारा है ट्विटर यूजर ने, वो लगता है शायद कहीं ना कहीं चेतन शर्मा के दिल को सीधा जाके छुएगा। और ये देखिए कोट रिट्वीट कर रहे हैं जी न्यूज के इस ट्वीट को, क्योंकि खुफिया जानकारी जो ये कैमरे पर खुद चीफ सेलेक्टर ने एडमिट की है वो सामने आ रही है। और भी बहुत सारे ट्वीट्स इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि नंबर वन ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पर इस वक्त हमारा हैशटैग गेम ओवर, और हैशटैग जी न्यूज भी नंबर वन ट्रेंडिंग है। तो जी दीपक जी, आपने भी बात की थी इससे पहले कि वो जो छक्का पड़ा था चेतन शर्मा की बॉल पर, वो उनके करियर में एक ऐसा मुकाम था जिसे वो कभी भूल नहीं पाए, जिसको लेके वो बहुत इमोशनल भी रहते हैं, और आज शायद कहीं ना कहीं ये बड़ा विवाद सामने आ गया। और ये भी ठीक उसी तरह की छक्के की तरह, ये पूरा का पूरा स्टिंग चेतन शर्मा का जिंदगी भर पीछा करने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चेतन शर्मा जो कि उस विवाद के दौरान भी टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर थे और अब भी चीफ सेलेक्टर हैं, उनका ये कहना कि विराट कोहली खुद को खेल से बड़ा समझने लगे थे, उनका ये कहना कि विराट ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरव गांगुली को हिट करने के लिए कप्तानी विवाद का जिक्र किया,
अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। उन्होंने ये भी कहा कि विराट और दादा के बीच ईगो की लड़ाई थी और अब देखते हैं इस सवाल का जवाब आखिर बीसीसीआई के उस समय के अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद में झूठ कौन बोल रहा था प्रीति, फाइंड आउट करते हैं रिपोर्ट में। सौरव गांगुली बनाम विराट कोहली, 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बोर्ड और कप्तान के बीच टकराव का यह सबसे हाई प्रोफाइल मामला है। गांगुली और विराट दोनों महान खिलाड़ी हैं, एक संन्यास ले चुका है तो दूसरा अभी भी नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सौरव और विराट दोनों खिलाड़ियों की गिनती टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में तो की जाती है। गांगुली की कप्तानी में भारत ने 49 में से 21 टेस्ट मैच जीते, तो वहीं विराट की कप्तानी में 68 में से 40। वहीं वनडे की अगर बात करें तो 9 साल की कप्तानी में विराट ने 95 में से 65 मैचों में जीत दिलवाई, तो वहीं गांगुली ने 6 साल की कप्तानी में 146 में से 76 मैच जितवाए। वहीं अगर बल्लेबाजी की तुलना करें तो विराट दादा से 20 पढ़ते हैं। विराट के तीनों फॉर्मेट मिलाकर 489 मैचों में 24,990 रन हैं, जिसमें 74 शतक शामिल हैं। तो वहीं गांगुली के वनडे और टेस्ट मिलाकर 424 मैच हैं, जिसमें उन्होंने 18,575 रन बनाए हैं और 38 शतक हैं। जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे उस वक्त विराट कोहली सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान थे और रवि शास्त्री कोच। विराट ने पूरे जोश के साथ उन्हें बधाई दी थी, लेकिन जब गांगुली बीसीसीआई से विदा हुए तब तक विराट के पास न कप्तानी थी और न ही वो फॉर्म जिसकी बदौलत वो बीसीसीआई से टकराने की हिम्मत कर पाते थे। हालांकि अब उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है और ये आप भी जानते हैं, लेकिन जो बात आप नहीं जानते हैं वो ये है कि गांगुली और विराट में झूठ कौन बोल रहा था। चेतन शर्मा का जवाब सुनिए। गांगुली ने कहीं स्टेटमेंट दिया कि जब हम लोग जब विराट कोहली बात कर रहा था हमसे कि मुझे कैप्टनसी छोड़नी है तो मैंने उसको मना किया कि कैप्टनसी नहीं छोड़नी थी। मतलब कि गांगुली ने मना किया कैप्टन नहीं छोड़ना है, ये उसने मीडिया में बोला। हाँ नहीं छोड़ना। हाँ दूसरी तरफ विराट ने मीडिया में जाकर बोला कि मुझे कभी भी प्रेसिडेंट ने ये बात बोली नहीं। हाँ बस उसने कॉपी किया। सच्चाई है क्या सर? बोला था उसने। हाँ तो नॉर्मल कुछ है ना, बोला था उसने सौरव गांगुली की सोच लो एक बार जो माइंड भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विराट ने नहीं सुना होगा। वहां तो 9 लोग बैठे थे, एक तो आदमी होता नहीं है, तो सारे लोग होते। मैं भी था उसमें, सारे सिलेक्टर थे, बोर्ड के सब थे, पर सब अवेलेबल थे। या तो विराट को सुना नहीं या विराट ने क्या, मुझे नहीं पता। देखो क्या विराट उसने झूठ बोला हमें नहीं पता, विराट को पता होगा क्यों कहा विराट ने। और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। उसका मकसद क्या था? यही मकसद वही बता सकता है। तो सच्चाई क्या था सर? सच्चाई ये था तो बात तो हुई थी, 6 लोग 8-9 लोग बैठे थे, बात तो हुई थी। गांगुली ने कहा था? हाँ गांगुली ने कहा था विराट झूठ बोल रहा था। क्यों कह रहा था कि विराट झूठ? आज तक किसी को नहीं पता। वो तो उनका पर्सनल मैटर, वो उसका पर्सनल मैटर। उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था कि बोर्ड वर्सेस प्लेयर हो गया था। विराट कोहली झूठ क्यों बोला? उसको इसका मकसद क्या था सर? एक मैंने कि हाइपोथेटिकल बात बताइए। मकसद वही आपको बोला ना, उसको लगा कि कप्तान मुझे जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया गया है उसमें सौरव गांगुली का हाथ है। उन्हें सौरव गांगुली को हटाना चाहता है? हटा दिया। तो उसके जगह किसको लाना चाह रहा है सौरव? रोहित शर्मा हाथ हो गया था, मतलब यही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। आपको समझ नहीं आ रही, आप क्रिकेट में नहीं गुजरे हो, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। दो ईगो क्लैश है, गांगुली वो ये सोच रहा है कि मुझे जो मुझे हटाया गया है कैप्टनसी से ये गांगुली ने, तो उसकी मैं मजी ठोकूंगा।
वो उसने स्टेटमेंट दिया कि उसको लिटरली बदनाम करने के लिए गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये बताने की कोशिश की गई और जो वो उस पर उल्टा हो गया। चेतन शर्मा के मुताबिक विराट कोहली झूठ बोल रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब विराट कोहली ने बोर्ड के सामने T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला सुनाया तो सौरव गांगुली ने उनसे कहा था कि सोच लो एक बार। चेतन शर्मा का दावा है कि उन्होंने ये खुद सुना, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है विराट ने ये बात ना सुनी हो। जब गांगुली और विराट के बीच विवाद बढ़ने लगा तब टीम इंडिया के लिए 23 टेस्ट खेलने वाले चेतन शर्मा ने ही मीडिया में बयान जारी किया और बोर्ड बनाम कप्तान की लड़ाई में उन्होंने बोर्ड का साथ दिया। जितने लोग वहां मौजूद थे, जितने वहां मीटिंग के अंदर थे, सभी ने कहा है कि आप इस डिसीजन के ऊपर सोचिए एंड इट वॉज बीन टोल्ड टू विराट फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लीज प्लीज कंटिन्यू एज द कैप्टन। इट वॉज टोल्ड बाय एवरीबॉडी अवेलेबल इन द मीटिंग। अब सवाल यह है कि क्या गांगुली ही विराट को हटाना चाहते थे? क्या विराट को गांगुली नापसंद करते थे? क्या BCCI अध्यक्ष को कोहली कप्तान के रूप में खटक रहे थे? या फिर रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाने के लिए कोहली को किनारे लगाने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी? क्या BCCI पर रोहित को फेवर करने का आरोप सही है? इसको हम ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं, फेवरेटिज्म जोड़ देते हैं कि गांगुली जो है आप रोहित शर्मा को फेवर कर रहे थे। तो गांगुली बता सकता है नहीं नहीं ये सर हम लाइन खींच रहे हैं सर, एक तार खींच रहे हैं। नहीं ये सर के ऊपर आ जाएगा ना, ये आपके ऊपर क्यों आएगा सर? सर काम कर रहे थे सर, विवाद चल रहा है, मान लीजिए विवाद चल रहा है फिर अचानक आपका हम ये मत कहो कि रोहित शर्मा को फेवर कर रहे थे। एक बात बताओ, विराट कोहली को पसंद नहीं करते? हाँ सर, एक उल्टा चलो। चेतन शर्मा के सहयोगी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा लिखा या दिखाया जाए कि रोहित को फेवर करने के लिए विराट की कप्तानी छीनी गई, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाएगा तो रोहित को फेवर करने के लिए सीधे तौर पर चेतन शर्मा जिम्मेदार होते। चेतन शर्मा के मुताबिक सौरव गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि सौरव गांगुली रोहित शर्मा को फेवर करते थे। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। देखिए आज के क्रिकेट के तीन स्तंभ, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली और बीच में दादा यानी सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद पर चयन समिति के चेयरमैन ने अपना पक्ष पहले भी रखा था, सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब BCCI के किसी बड़े पदाधिकारी ने कैमरे पर, फिर से सुनिए, कैमरे पर यह दावा किया है कि इस विवाद में विराट कोहली झूठ बोल रहे थे। क्या कहा है उन्होंने? विराट कोहली इस विवाद में झूठ बोल रहे थे और वो भी खुद चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा ने यह दावा किया है। इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो आपको एक एक करके बताएंगी प्रीति। प्रीति जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो आपने पूछा था दीपक जी कि आखिर झूठ कौन बोल रहा था इस विवाद में, तो शायद उसका जवाब आपको और दर्शकों को अब साफ हो गया है कि क्योंकि खुद चेयरमैन कमेटी के जो है सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चेतन शर्मा ने कैमरे पर खुद एडमिट कर लिया है कि झूठ दरअसल विराट कोहली बोल रहे थे। तो चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच हुए इस विवाद में विराट कोहली को झूठा बताया है, ये बड़ा खुलासा है। इस तमाम खुफिया कैमरे पर जो एडमिट किया है चेतन शर्मा ने उसमें साफ कर दिया है। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट कोहली ही थे जो झूठ बोल रहे थे। सौरव गांगुली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विराट से T20 की कप्तानी छोड़ने के फैसले पर यह कहा था कि सोच लो एक बार। ये खुद चेतन शर्मा के शब्द हैं जो बता रहे हैं वो खुफिया कैमरे पे कि गांगुली ने तो बोला था विराट कोहली को कि सोच लो एक बार, गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे। इस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं चेतन शर्मा ने अपने इस खुफिया कैमरे के जो एडमिशन है दीपक जी उसके दौरान किया है कि इस पूरे विवाद की जड़ यही थी कि दोनों बड़े जो ये हमारे नाम
नामी चेहरे हैं सौरभ गांगुली, विराट कोहली, इनके बीच में मेजर ईगो क्लैश था, ईगो वॉर चल रही थी। और जो ये पूरा विवाद हुआ कप्तानी को लेकर, इसमें सौरभ गांगुली को सही बताया है, विराट कोहली को झूठा बताया है, कोट अनकोट। कोट अनकोट क्या विराट कोहली झूठे हैं? चेतन शर्मा के मुताबिक जी हाँ, वो झूठे हैं। तो क्या विराट कोहली झूठ बोल रहे थे और दादा कोहली को पसंद नहीं करते थे? ये बात पहली बार बीसीसीआई ने मानी है। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने खुद जी मीडिया के कैमरे पर हमारे रिपोर्टर अभिषेक कुमार, जिन्होंने शानदार जानदार और वजनदार स्टिंग ऑपरेशन किया है, उनके सामने बात कही है। जहां तक दादा का सवाल है, तो आज भारतीय क्रिकेट जिस ऊंचाई पर है उसके शिल्पकार दादा ही हैं। सौरभ गांगुली ने नए भारत की क्रिकेट टीम खड़ी की और उस विरासत को महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़ाया है। खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ने सौरभ गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद की वजह भी बताई और विवाद का सच भी बताया। चेतन शर्मा के मुताबिक उन्होंने क्या क्या कहा, प्रीति बताएगी आपको। जी, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली को लगता था कि गांगुली की वजह से उनकी कप्तानी गई, लेकिन गांगुली ने तो उन्हें कप्तानी छोड़ने से मना किया। फिर आखिर कोहली को हटाया किसने, उसके लिए आप देखिए रिपोर्ट। विराट कोहली को सबसे ज्यादा तकलीफ वनडे टीम की कप्तानी गंवाने की थी। विराट ने वनडे टीम की कप्तानी खुद नहीं छोड़ी थी, उन्हें हटाया गया था। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट को हटाने का फैसला बीसीसीआई के अध्यक्ष का नहीं था, यह फैसला था चयन समिति का, जिसकी कमान उस वक्त भी चेतन शर्मा के हाथ में थी। गांगुली जो है रोहित को पसंद कर रहा था, विराट को पसंद नहीं कर रहा था। विराट को पसंद नहीं कर रहा था, विराट को नापसंद कर रहा था। नापसंद कर रहा था और रोहित को पसंद कर रहा था। रोहित को नहीं, वो तो उसको पता ही नहीं था कैप्टन अगला कौन बनेगा। विवाद कुछ नहीं था, विराट को ऐसा लगा कि ये जब विराट को हम लोगों ने हटाया है ये कैप्टन, हाँ, तो हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था। मतलब हमने विराट से बात किया, नहीं कहा, हमने कह दिया कि हम आपको कैप्टन नहीं देते, कैप्टन चेंज कर, वो चेयरमैन का काम होता है, बात करना खत्म हो गया। चेतन शर्मा के मुताबिक उन्होंने विराट कोहली से बात की और ये बताया कि उन्हें वनडे टीम के कैप्टन पद से हटाया जा रहा है। लेकिन इस फैसले की वजह क्या थी? क्या ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी, जबकि विराट को बोर्ड ने पूरी छूट दी थी। वो जिसे चाहते थे टीम में रखते थे, जिसे चाहते थे टीम से निकाल देते थे, यहां तक कि कोच तय करने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती थी। कहा तो ये भी गया कि अनिल कुंबले को कोच पद से हटाने और रवि शास्त्री को कोच बनाने में भी विराट कोहली का बड़ा रोल था। वहीं रोहित शर्मा का दावा इसलिए मजबूत था क्योंकि आईपीएल में उन्होंने कप्तान के तौर पर मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया। क्या हुआ था, किस बात का ही होता, क्यों गांगुली को विराट कोहली को कप्तान से हटाना पड़ा? नहीं तो हटाना था, सेलेक्टर्स का काम होता है, सेलेक्टर्स ने हटाया क्योंकि एक फॉर्मेट में एक कैप्टन रखता है, तो नॉर्मल प्रोसीजर, हाँ, उसको बता दीजिए। विराट कोहली ने जब मीडिया में खबर आई कि विराट कोहली ने मना कर दिया T20 के कैप्टनशिप के लिए, तो हम लोगों ने ये कहा कि अगर वो T20 नहीं करेगा तो हम वनडे से भी उसको हटा देंगे, सेलेक्टर्स की ये सोच थी। चयन समिति टीम इंडिया में 2 कप्तानों का फॉर्मूला लागू करना चाहती थी, एक रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान हो और दूसरा व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान हो। रेड बॉल क्रिकेट का मतलब टेस्ट क्रिकेट होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल यानी लाल रंग की गेंद का इस्तेमाल होता है। वहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट का मतलब वनडे और T20 मैच से है, क्योंकि वनडे और T20 मैच में व्हाइट बॉल यानी सफेद गेंद से ही गेंदबाजी की जाती है। चेतन शर्मा का दावा है कि उन्होंने ये तय किया कि जो खिलाड़ी T20 मैच की कप्तानी करेगा वही वनडे मैच में भी कप्तानी करेगा, और इस वजह से चयन समिति के चेयरमैन होने के नाते चेतन शर्मा ने ही विराट कोहली को वनडे टीम से हटाने का फैसला किया। चेतन शर्मा ने एक नहीं 3-3 बार दावा किया कि विराट को हटाने का फैसला बीसीसीआई अध्यक्ष का नहीं बल्कि उनका था।
देखो क्या होता है जब कैप्टन चेंज किया जाता है तो सिलेक्टर बोर्ड के साथ बैठ के सिलेक्ट करते हैं कैप्टन को सर, ऐसे सिलेक्शन कमेटी करती है। बट जब कैप्टन होता है तो जो देखो कैप्टन का मामला होता है तो तुम आप बातचीत करते हो, वो विराट को भी पता है, तो उसको लगा कि सौरभ गांगुली का इसमें बहुत बड़ा रोल था तो मुझे कैप्टनशी से हटाया गया। बट सिलेक्टर की सोच अलग थी, सिलेक्टर कह रहे थे व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है ना वो एक कैप्टन करेगा, रेड बॉल क्रिकेट एक कैप्टन, हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। मतलब कि एज ए सिलेक्टर आपका एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर होता है, व्हाइट बॉल कैप्टन अलग होता है, रेड बॉल कैप्टन अलग। अच्छा ऐसा होता है, ये नॉर्मल अलग की सिलेक्टर एक्सपेरिमेंट करना चाहे कि नहीं यार एक व्हाइट बॉल का अलग, फिर रेड बॉल का अलग, फिर एक व्हाइट बॉल का अलग, वो अलग वो होगा एक्सपेरिमेंट, जैसे अब हो रहा है एक्सपेरिमेंट। हार्दिक पांड्या T20 का कैप्टन है, हल्का सा हिंट किया था हमें, और ये इधर रोहित शर्मा वनडे का कैप्टन है, रोहित शर्मा ये एक्सपेरिमेंट हुआ। मतलब ये हुआ कि जिस फॉर्मूले के तहत विराट कोहली से वनडे टीम की कप्तानी छीनी गई थी उस फॉर्मूले को खुद बीसीसीआई की चयन समिति अब भूल चुकी है। चयन समिति के चेयरमैन के मुताबिक विराट को ये कहकर वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी T20 और वनडे क्रिकेट का कप्तान एक ही होगा, लेकिन इस समय टीम इंडिया में वनडे और T20 के लिए दो अलग अलग कप्तान है। टेस्ट के साथ साथ वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं और T20 के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई के इसी नए फॉर्मूले को चेतन शर्मा ने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रीति क्रिकेट को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, हमारे साथ दो बहुत बड़े लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन विराट कोहली को दादा ने नहीं हटाया तो किसने हटाया, इस सवाल का जवाब खुद चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने बंद कमरे में दिया। इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें आई, प्रीति आपको बताएंगे। बिल्कुल, वो बड़ी बातें सबसे पहले हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं और फिर इसको इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। विराट कोहली, जैसा कि खुद चेतन शर्मा ने कहा है कि इतने बड़े खिलाड़ी बन गए थे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को गेम से भी बड़ा समझने लगे थे, तो सौरभ गांगुली ने नहीं, विराट कोहली को चेतन शर्मा ने हटाया। अब इस बात का खुलासा जो है इस कैमरे पर खुद चेतन शर्मा ने करा है। सौरभ गांगुली ने तो दरअसल बताया था विराट कोहली को कि सोच लो इस बारे में एक बार और। जी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार के सामने खुफिया कैमरे पर यह माना है चेतन शर्मा ने कि विराट को कप्तानी से हटाने का फैसला सौरभ गांगुली का नहीं था। मैं एक बार फिर से अंडरलाइन करूंगी, सौरभ गांगुली का फैसला यह नहीं था, यह खुद चेतन शर्मा ने कबूला है खुफिया कैमरे पर कि यह फैसला दरअसल उनका था बतौर चीफ सेलेक्टर। चेतन शर्मा ने विराट से ही कहा था कि T20 की कप्तानी नहीं करोगे तो वनडे यानी कि जो शॉर्टर फॉर्मेट में दूसरा होता है T20 के अलावा वनडे की भी कप्तानी आपको छोड़नी पड़ेगी। चेतन शर्मा ने यह भी कहा था कि T20 और वनडे का एक ही कैप्टन होगा। चेतन शर्मा का दावा है कि व्हाइट बॉल यानी कि सफेद बॉल क्रिकेट में कप्तानी पर एक्सपेरिमेंट्स का दौर तो अब चल रहा है। तो चेतन शर्मा ने दीपक जी जो प्रिटेक्स्ट दिया था कि व्हाइट बॉल कैप्टन अलग होगा और रेड बॉल कैप्टन अलग होगा, वो खुद अब वो चीफ सेलेक्टर है लेकिन ऐसा दौर चल नहीं रहा है, तो विराट कोहली को सिर्फ हटाने के लिए क्या उन्होंने ये फैसला लिया था, अब इसके बाबत भी सवाल पूछे जाएंगे चेतन शर्मा से। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हम हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन प्रीति मैं आपको ये बता दूं, हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर हैं वो अपनी पहचान छिपाकर चेतन शर्मा से मिले थे और उन्होंने इस चेतन शर्मा का ये स्टिंग ऑपरेशन किया, क्योंकि वो मुद्दा क्रिकेट जो भारत में एक धर्म की तरह पूजा जाता है उसके बारे में जो सवाल हो रहे थे, जो परफॉर्मेंस था SCC ट्रॉफीज के अंदर, जो परफॉर्मेंस था फिटनेस को लेकर, जो बातें थी और क्रिकेट का गांगुली और विराट कोहली वाला विवाद, ये दोनों जो चीजें हैं हम इसकी तह तक पहुंचना चाहते थे। एक साल पहले तक रोहित शर्मा विराट कोहली की कप्तानी में खेलते थे, लेकिन अब विराट को रोहित की कप्तानी में खेलना पड़ रहा है। कई बार मीडिया में दावा किया गया कि इन दो बड़े खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्या वाकई ऐसा है, क्या टीम इंडिया दो गुटों में बटी है? इस सवाल के जवाब में चेतन शर्मा ने हमारे खुफिया कैमरे पर क्या बताया, अब आपको ये देखना चाहिए। सर ये क्या कहते हैं,
एक जो हमने रिपोर्ट देखा रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनमें से क्यों विवाद है? क्यों विवाद? ये मीडिया का स्पेकुलेशन। अच्छा, ये भी देखिए, दो बड़े नेता बैठे होते हैं आमने सामने, तो एक ईगो तो रहता है ना छोटा मोटा। मैंने बोला कि यार लड़का बहुत अच्छा है, मतलब मुझको वो अच्छा नहीं लगता। चेतन शर्मा का दावा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन ईगो है, और जहां ईगो है वहां विवाद होने की आशंका ज्यादा होती है, और हमारी आशंका सवाल बनकर चेतन शर्मा के आगे खड़ी थी। हमने क्या अखबार पढ़ा था कि इन दोनों कुछ विराट और रोहित कुछ खींचातानी है, जैसे अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी, जो दो शख्सियत होती थी, लोग कहते थे ना कुछ नहीं होगा, वो जो कुछ नहीं भी तो मीडिया कर देता है। विराट और रोहित के जोड़ी की तुलना अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से करने वाले चेतन शर्मा ने बताया कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। विराट जब बाहर गए और उसके बाद किया था, अब जब विराट गोइंग थ्रू अ बैड पैच तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रोहित कर रहा था, जब रोहित का प्रॉब्लम हुआ था तो विराट ने सपोर्ट किया। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये वही चेतन शर्मा हैं जो विराट गांगुली विवाद में दावा कर चुके हैं कि कोहली झूठ बोल रहे थे, लेकिन जब सवाल रोहित और विराट के आपसी रिश्ते का था तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईगो तो है लेकिन दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। चेतन शर्मा के मुताबिक अगर रोहित और विराट के बीच कोई विवाद होता तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होता और एक मिनट में एक्शन भी हो जाता। ये वो टीम तो है नहीं होगी यार, 40 लोगों की टीम, 15 की टीम, आपके वो टीम में लगा होता है, आप होटल से बाहर जा नहीं सकते, आपका एक प्लेयर्स लाउंज है, आपका एक टीम रूम है, एक आपका वॉर रूम है, तीन चीजें होती हैं होटल के अंदर बनी होती है, उस तीनों जगह पे सिलेक्टर एक घूम रहा होता है, वो वॉच कर रहा होता है, कोई भी सिलेक्ट, मतलब मैं रहूंगा और मैंने किसी की ड्यूटी लेना, वो वॉच कर रहा था, मुझे पता हो हल्की सी धुआं पे उठेगा ना तो एक मिनट में एक्शन हो जाएगा, वो सीधा फोन मुझे करेगा, मैं बोर्ड को करूंगा, दोनों को बुला के खड़ा कर देगा, हाँ इधर आओ खेलना है क्रिकेट के खाली की, हम तो सीधा ऐसे खेलना ही नहीं, खेलना नहीं, खेलना ओके थैंक यू वी डोंट नीड यू, हिंदुस्तान में 1,00,000 आदमी बैठा है, इसलिए कोई बातचीत के दौरान चेतन शर्मा ने चयन समिति के चेयरमैन होने का मतलब भी बताया। उनका दावा है कि टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना है ये तो वो ही तय करते हैं, साथ ही फैसला भी उन्हीं का होता है कि टीम इंडिया में किस खिलाड़ी को किस मैच में खेलना है और कौन सा मैच नहीं खेलना। हम लोग जो है पांचों, हम प्लान करते हैं देश के लिए, पूरी हिंदुस्तान की क्रिकेट ये 5 लोग चला रहे हैं, कौन खेलेगा इंडिया के लिए वो हमने डिसाइड करना है, कौन फ्यूचर है वो हमने डिसाइड करना है, उनको पता हमारे पास स्पैन 5 साल का है सर, और कहीं कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए तो भाई छोड़ेंगे नहीं, तो बीसीसीआई का सीधा सीधा रूल है, हम लोग सीधा मेल डालते हैं, ये हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये मैच खेलना है, ये नहीं खेल रहा, ये खेलना है, ये नहीं खेलना, वो मैं करता हूँ, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो एक्शन हो जाएगा, तो उनको भी दिख रहा है यार, एक दिन एक साल में 300-500 करोड़ कमा रहे हैं, छोटा पैसा 5 साल खेल जाएंगे, 2,000 करोड़ कमा के जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कर लेंगे ऐसे यार, क्या प्रॉब्लम। चेतन शर्मा बड़े गर्व से कहते हैं कि रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उन पर बहुत भरोसा करते हैं, खिलाड़ियों को यकीन है अगर चेतन शर्मा से कोई सीक्रेट शेयर किया तो वो कभी लीक नहीं होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो सीक्रेट वो बता रहे हैं वो इस समय पूरी दुनिया सुन रही है। दुनिया को पहली बार ये भी पता चलने वाला है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चेतन शर्मा से फोन पर आधा आधा घंटा बात करते हैं,
टी20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या चेतन शर्मा के इस घर में हाजिरी लगाने आते रहते हैं। अभी विराट की भी बातें चल रही हैं। खैर कैप्टनसी तो उसने छोड़ दिया और उसके बाद रोहित शर्मा को गायब हो गए हैं। जैसे सेलेक्टर्स हो गए, सेलेक्टर्स बहुत मेन रोल करते हैं, सेलेक्टर्स के साथ टच में रहते हैं। जैसे रोहित मेरे से आज सुबह आधा घंटा बात कर रहा था। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेलेक्टर बैठा है, हाउ कंफर्टेबल ए क्रिकेटर इज विद यू। लाइक आई एम अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ गाय। मैं मेरे साथ सभी मेरी जो मेरे से रोहित ने बात की ना, वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मतलब एक तो मैं मीडिया, एक मैं मीडिया का आदमी हूँ, मेरा पेट बहुत स्ट्रांग है। तो करंट क्रिकेटर है उनको मेरे से बात करनी आती है, वो आते हैं। जब हमारी बात हो रही थी अभी हार्दिक आया हुआ था, तो हार्दिक भी यही लेटा हुआ था। अभी दीपक हुड्डा आया था, अभी उमेश यादव उस दिन मुझे मिल गया। वो देखो क्या होता है कि जब उनको बात करनी है चेयरमैन से, कईयों को अपना फ्यूचर का होता है, हार्दिक को आगे की डिस्कशन करनी हो, फिर जो मेरे घर में कहा बात हो सकेगी ना, वो कहीं बाहर नहीं फोन पे जब जाने की। हार्दिक पांडे तो मुझे हार्दिक उसने दिल्ली लैंड किया तो उसने मुझे फोन किया, सर कहा हो, मैंने कहा मैं घर पे हूँ। चेतन शर्मा ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में जो दावे किए वो सनसनीखेज तो नहीं है, लेकिन इससे आगे का खुलासा बेहद अहम है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो प्रीति क्या कहती है रिपोर्ट, बताइए। बिल्कुल, बड़े जो खुलासे सामने आए हैं दीपक जी, एक एक करके मैं अपने दर्शकों के सामने रख देती हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें हैं वो एक बार जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के जो टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन है, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों के बीच ईगो रहता है। ये सबसे बड़ा एडमिशन है चेतन शर्मा का कि ईगो क्लैश है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जो कि हमने देखा है पब्लिकली जो उनका स्टैंड रहता है। चीफ सेलेक्टर ने तो यहां तक कहा कि रोहित शर्मा उन्हें, यानी कि चेतन शर्मा से फोन पर आधे आधे घंटे बात करते हैं, और उनकी बातों से यह भी साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या यानी कि टी20 टीम के जो अब कैप्टन है वो चेतन शर्मा के घर हाजिरी लगाते हैं। तो दीपक जी, ये चेतन शर्मा जो है अपनी पावर को बोस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास तो तमाम बड़े खिलाड़ी आते हैं, और जो दो कैंप की हम बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, टीम इंडिया बटी हुई है उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि इन तमाम खुलासों के बाद अब बीसीसीआई क्या करती है, और अब देखते हैं अगला खुलासा। टीम इंडिया में पिछले कुछ समय में एक नया ट्रेंड आपने देखना होगा, वो ट्रेंड है आराम का, जहाँ बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया जाता है। वैसे गांधी जी ने कहा था आराम हराम। उस आराम के बारे में ना बहुत कंट्रोवर्सी आई है दीपक जी, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। लेकिन पहले जो ये डिस्कशन सामने आया है, ये जो खुलासे सामने आए हैं, सौमित्र बोस एक और वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, साथ ही शेखर लूथरा, राहुल बनर्जी और जसविंदर सिद्धू तो है ही। तो सौमित्र, क्योंकि आप अभी अभी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, मैं पहला सवाल आपसे ही पूछ लेती हूँ। ये जो दो कैंप की बात थी, ये जग जाहिर बात है आज चीफ सेलेक्टर के खुद के मुंह से लोगों ने सुन ली है, रोहित शर्मा विराट कोहली दो कैंप लेकर चलते हैं, ऐसे में भारतीय क्रिकेट का भविष्य क्या है, और ये क्यों एज ए चीफ सेलेक्टर उन्होंने अलाउ किया, उनकी नाक के नीचे ही चल रहा था ये सब। देखिए, ये पॉलिटिक्स और डिविजन ये नई बात नहीं है, जब से इंडियन क्रिकेट खेल रहा है 1920s 30s से, तब से है। इट इज नथिंग न्यू। पहले तो हमने जब तक हमने क्रिकेट कवर किया, तब से गवास्कर वर्सेस कपिल, उससे पहले लाला मुन्नाथ का प्रॉब्लम, बिजी का प्रॉब्लम, इंडियन क्रिकेट में ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी आज से नहीं है, 1930 से है। तो ये नई कोई बात नहीं है, जो हमेशा आप ये चीज जो हम इंडियन में बोल रहे हैं, ये सारा दुनिया में है, सारा दुनिया में है। आप वर्ल्ड कप फुटबॉल में आप देखा ना, रोनाल्डो को कैसे कोच ने बैठा दिया था, वो ईगो नहीं है। मगर कुछ कुछ डिसीशन है जो स्पोर्टिंग रीजंस के, क्रिकेटिंग रीजंस के लिए लिया जाता है, जैसे आपने कहा कि ईगो तो सबके पास है। तो सौमित्र, इसमें चीफ सेलेक्टर का कुछ फायदा होता है क्या, ये जो अगर कैंप में बढ़ जाते हैं तो उसमें उनका रोल क्या रहता है और उनको फायदा क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, वो तो उसका काम है टीम सेलेक्ट करना। हम एक चीज इसके बाद नहीं कर रहे कि इसको पूरा मैनेज करने का जो दायित्व है ये राहुल द्रविड़ के ऊपर है, कोच के ऊपर है, इसलिए राहुल द्रविड़ को कोच चुना जाता है, इसलिए रवि शास्त्री को कोच चुना जाता है, हेड कोच माना जाता है, कि ये टीम का मैनेजमेंट तो चीफ सेलेक्टर नहीं कर सकते हैं,
टीम मैनेजमेंट सिर्फ हेड कोच कर सकते हैं उसके स्टाफ के साथ, तो ये हमारा बोलना ठीक नहीं है कि चीफ सिलेक्टर का काम क्या है। चीफ सिलेक्टर का काम है टीम सिलेक्ट करना, ठीक है वो क्या। लेकिन पब्लिक डोमेन में दीपक जी उन्होंने ये बात तो रख दी कि ऐसा है, ये फैक्ट है। बहुत बड़ा सवाल है, देखिए ईगो एक शाश्वत सच है, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि इसी ईगो के चलते बर्बादी भी आती है। जब आप ईगो के हिसाब से काम करने लगते हैं तो शायद आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। क्या कहेंगे शेखर? नहीं ले सकते आप। इंग्लैंड क्रिकेट में शेखर से और केविन पीटरसन के बाद विवाद के बाद उसका डाउनफॉल हुआ है, मगर इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ी बात है कि इतना हमारे पास बैकअप प्लेयर्स है, स्ट्रेंथ है कि ये हमको कभी कमी नहीं दिखता है। हमारे पास इतना बैकअप प्लेयर और अहम मौके पर टीम्स विल कंबाइन टू प्ले टुगेदर। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन क्रिकेट। काम है कप्तान से बात करना, टीम के प्लेयरों से बात करना। अगर एक चीफ सेलेक्टर का रोल सिर्फ ये नहीं है कि टीम सेलेक्ट की एक पर्ची पकड़ाई और चले गए, जो ये गांगुली वाला विवाद था, चेतन ने बड़े कन्वीनियंटली बोल दिया कि वो झूठ बोल रहे थे। बट झूठ क्यों बोले? क्योंकि आप फेल हुए थे अपनी ड्यूटी में। ये काम चेतन का था कप्तान को बताना कि ये हमारी थॉट प्रोसेस है, हम आपको नहीं चाहते, या वाइट बॉल में हम डिफरेंट करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में अलग, उसमें आप फेल हुए। जब बीसीसीआई की कॉन्ट्रोवर्सी हुई, जो विराट को बड़ा किसने बनाया? विनोद राय ने, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड थे। उन्होंने विराट को कुंबले कॉन्ट्रोवर्सी में इतना बड़ा बना दिया कि कुंबले जैसे प्लेयर को कहते हैं गाली गलौच हुई। ये नहीं हुए कि डिस्कशन हुई और लड़ाई हुई, गाली गलौच हुई, उसके बाद उन्होंने विराट की साइड ली और कुंबले को साइड कर दिया। तो उस प्रकरण से विराट कोहली बिगर देन द गेम बन गए। तो जब विराट कोहली बड़े बने तो चेतन जैसों को तो मानते ही कुछ नहीं थे। एक मैंने स्टोरी की थी, अगर आपको देखें आप ध्यान से, कि कैसे इंग्लैंड में जब विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, चेतन शर्मा नए नए कप्तान बने थे, कैसे उन्होंने टीम वहां पर कप्तान को फोन किया, उन्होंने वो बेबी सिटिंग कर रहे थे, इनसे बात करने को मना कर दिया। और मैं आई स्टैंड बाय माय स्टोरी, मुझे मालूम है क्या हुआ था, क्योंकि अंदर से ही किसी ने खबर दी थी, ऑब्वियस है। तो ऐसे में जब आप फेल होते हैं तो आपने क्या कन्वीनियंटली प्रेसिडेंट की साइड ली, उसका फायदा क्या हुआ? क्योंकि जब आप बोर्ड की साइड रहते हो तो 2 या 3 महीने पहले एग्जैक्टली जब सैक हुआ था पूरा क्रिकेट चयन करता, जब सारे सैक हुए थे, सबको मालूम था कोई भी वापस नहीं आएगा, या तो आई वॉच थी, उसके थोड़े दिन बाद ही मुझे खबर आई कि जी ये तो दोबारा वापस आने वाले हैं। तो कन्वीनियंटली आप सैक भी हुए, जिनको बाहर करना था बाहर किया, और वो ही चेतन शर्मा वापिस आए, वो ही इसलिए क्यों, क्योंकि आप बोर्ड के साथ खड़े हुए नजर आ। और जसविंदर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं चेतन शर्मा खुद को भी कॉन्ट्रडिक्ट करते नजर आ रहे हैं, और कोई ऐसी चालबाजी, कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आती है कि विराट कोहली को हटाने के लिए आपने बोला कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमें अलग अलग कैप्टन चाहिए, लेकिन सेम चीज आपने अप्लाई रोहित शर्मा के साथ क्यों नहीं की? क्या बदल गया विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी तक आते आते? चीफ सिलेक्टर बोल रहा है कि इसको जो सौरव गांगुली ने उससे पूछा था, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने जो चीफ सिलेक्टर का डिसीजन तो चीफ सिलेक्टर ने करना ना, किसी कप्तान को हटाना नहीं करना। ये प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था, वो सच है झूठ है उसमें नहीं जाने का। विराट कोहली ने झूठ बोला या किसने, सौरव गांगुली ने झूठ बोला, वो उस पर आप हट जाइए। चीफ सिलेक्टर बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ने झूठ नहीं बोला। प्रेसिडेंट का रोल कहाँ से आता है, मेरे को ये समझना है कि ये चीफ सिलेक्टर तो आप है ना भैया, आप बताइए ना इसको रखना है या नहीं रखना है, या आपने बाहर करना नहीं करना था। ये आदमी अभी जो बोल रहा है आपको स्टिंग ऑपरेशन में जो भी है, मुझे मालूम नहीं कितना, लेकिन सिलेक्शन तो कैप्टन का, प्लेयर्स का, सिलेक्टर्स करते हैं। सिलेक्टर्स बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ने उसको बोला था कि वो कैप्टन रहेगा या नहीं रहेगा, मुझको सिर्फ ये समझना है कि सिलेक्टर प्रेसिडेंट का सिलेक्टर है या प्लेयर का सिलेक्टर है। ठीक है, राहुल प्रेसिडेंट का सिलेक्टर था इसलिए वापस आए ना। आप एक चीज समझिए इस बात, यू फेवर मी आई फेवर यू। हां आई फेवर। राहुल आपका क्या टेक है, क्या क्या आपको लगता है कि जो चेतन ने कहा है सब्सटेंस? सबसे पहले दीपक ये याद रखना जरूरी है कि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स क्रिकेटर जब टीम में आता है वो हल्का सा मीडिया मैनिपुलेशन सीखता है सबसे पहले। पर्टिकुलरली जैसे वो सीनियरिटी बढ़ती जाती है, वो कप्तानी की तरफ बढ़ते हैं, कप्तान बन जाते हैं जब, तो मीडिया को किस तरह हल्का थोड़ा सा हिंट देना, कभी कभी क्वेश्चंस प्लांट करना, ओपिनियन बनाना। अब तो खैर वो ज़माना निकल गया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, तो आप जैसे हमने देखा विराट जस्ट जंप द क्यू एंड स्पोक डायरेक्टली टू द कैमरा सेइंग दैट ये वो। सो इन ऑल ऑफ दिस आई थिंक चेतन इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ Person who is more important than he actually is. ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी। तो प्रीति अब आ जाते हैं आराम के खेल पे। ये आराम का खेल आखिरकार है क्या? क्या आराम
इसलिए दिया जाता है कि खिलाड़ी थका हुआ है या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सुनिए चेतन क्या कह रहे हैं इस आराम के बारे में, आराम पॉलिटिक्स क्या है ये भी देखिए। साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद से अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों लगातार ब्रेक पर रहे, जबकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि हार्दिक पांड्या को BCCI ने T20 कप्तान स्थायी तौर पर बना दिया है, लेकिन हो यही रहा है। हार्दिक लगातार कप्तानी कर रहे हैं और रोहित को T20 मैच से लगातार आराम दिया जा रहा है। T20 में रोहित और विराट जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ आराम के नाम पर आखिर कैसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसका जवाब खुद चेतन शर्मा से जानिए। मुझे लगता है कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है यार, विराट नहीं कर रहा कुछ अच्छा, तो हम ऐसे करते हैं यार विराट को ब्रेक देके इसको खिलाते हैं, बीच में ट्राई करते हैं। जब हम ये करने जाते हैं, हम पांच सेलेक्टर होते हैं, पहले तो हमें पांचों को एक कंसेंसस पे आना, पहले तो वो सबसे बड़ा टफ काम है। तो चेयरमैन को बहुत छाते रोना पड़ता है इसमें, चेयरमैन हैज टू बी, जैसे मेरा इसलिए फायदा हो गया कि हम जो पॉलिटिशियन, तो यू हैव टू रियली कंट्रोल योर गाइस। यार एक प्लेटफॉर्म पे कि ये ना हो यार यहाँ कुछ बोला मीटिंग में जाके तुम्हारी उल्टा हो गया, तो मेरे दो साल में कभी एक बार भी वोटिंग नहीं, नॉट ए सिंगल टाइम मैंने वोटिंग नहीं होने दिया। वोटिंग का मतलब हम पांच सिलेक्टर होते हैं, हमारे एक ही वोट होता है। चेतन शर्मा क्रिकेटर के साथ साथ नेता भी रहे हैं और उनके मुताबिक यही नेतागिरी BCCI में भी उनके काफी काम आ रही है। चयन समिति के चेयरमैन का दावा है अगर किसी नए खिलाड़ी को किसी बड़े खिलाड़ी की जगह टीम में लाना है तो उस बड़े खिलाड़ी को ब्रेक दे दिया जाता है। मेरी मीटिंग हर बार 20 मिनट से ज्यादा चलती है, हम जाते हैं बैठते हैं 3 घंटे 20 मिनट मीटिंग, कोई डिस्कशन नहीं होता, कैप्टन आता है बात करता है उसको पहली में। अब रोहित मेरा बहुत बच्चों की तरह है, विराट मेरे साथ बहुत बच्चे, इतने देखे हैं मैं। रोहित को अपने बच्चे की तरह मानने का दावा करने वाले चेतन शर्मा ने हार्दिक पांड्या को भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य बताया, यानी एक तरह से उन्होंने ये इशारा दिया कि T20 में टीम इंडिया की कप्तानी अब हार्दिक के पास रहेगी और हो सकता है रोहित शर्मा की टीम में जगह भी ना बने। उसके बिना कुछ नहीं होता, अगर हमने मना कर दिया नो तो फ्यूचर फॉर वेरी नाइस मोस्ट हम्बल क्रिकेटर मोस्ट हम्बल। हमारे खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा और उनके सहयोगी ने उन खिलाड़ियों के नाम भी गिनाए जिन्हें उनकी वजह से टीम इंडिया में मौका मिला। आपके समय में सर कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसे आपने किसको कितने खिलाड़ी को मौका दिया सर? सूर्य कुमार, ईशान किशन, वो 20-15 है वो तो आपको सीधी लिस्ट दे देंगे ना चुनके। एक दो नाम लिख लेते हैं, ईशान किशन, अर्शदीप, दीपक हुड्डा, दीपक हुड्डा, सारे मेरे ही हैं, मेरे आगे। सवाल सिर्फ मौका देने भर का नहीं है, सवाल तो ये भी है कि क्या टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चयन के दौरान पक्षपात होता है, क्या प्रदर्शन की जगह निजी पसंद को पैमाना बनाया जाता है। सर एक और बताइए, जैसे टीम होता है इसमें फेवरेटिज्म भी होता है? देखो फेवरेटिज्म नहीं वर्ड, वो गलत वर्ड है, इसमें क्या होता है ना, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है।
कोई प्लेयर आप देखते हो आपका नजरिया अलग है, दूसरा इंसान देखता है उसका नजरिया अलग है। तो वो होता है, कोई किसी पसंद प्लेयर को ज्यादा पसंद करता है, कोई थोड़ा कम करता है। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चयन के दौरान निजी तौर पर पसंद या नापसंद जैसी बातें तो होती हैं, लेकिन फेवरेटिज्म नहीं होता। लेकिन हाँ, आराम के नाम पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट से जिस तरह किनारे लगाया जा रहा है, वो एक बड़ा संदेश है। संदेश विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट सुपरस्टार के लिए कि T20 में अब उनका दौर खत्म हो चुका है। उनकी जगह शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ी T20 की पिच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो प्रीति, आपने देखा कि किस तरीके से चेतन शर्मा जी मीडिया के रिपोर्टर अभिषेक कुमार को बेहद शान से बता रहे थे कि कैसे नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए बड़े खिलाड़ियों को किनारे लगाया जाता है और नाम दिया जाता है आराम का। आराम यानी रेस्ट का। इतने ज्यादा इस मामले में हमने सुना है दीपक जी, पिछले एक साल में, एक डेढ़ साल में फलाना प्लेयर इज रेस्टेड, कोई कारण नहीं दिया जाता लेकिन रेस्ट दे दिया जाता है। तो अब समझ में आ रहा है दरअसल कि वो स्ट्रेटजी क्या थी। तो इस रिपोर्ट में चेतन शर्मा के इस बड़े खुलासे क्या रहे, आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ। पहला बड़ा दावा ये था कि ब्रेक के नाम पर यानी कि रेस्ट के नाम पर बड़े खिलाड़ियों को साइडलाइन किया जा रहा है। दूसरा बड़ा दावा ये था कि युवाओं को मौका देने के लिए सीनियर्स को ब्रेक पर भेजा जा रहा है। तीसरा बड़ा दावा यह कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के भविष्य है, यानी कि अब जो T20 के कैप्टन है वही फ्यूचर है। चेतन शर्मा हार्दिक पर मेहरबान है। ये तमाम बड़े खुलासे दीपक जी सामने आ चुके हैं। रेस्ट अगर कहा गया है कि फलाना प्लेयर रेस्टेड है तो उसके पीछे भी स्ट्रेटजी है, कोई जरूरी है कि वो एक्चुअली रेस्ट मिल रहा हो उसे। और प्रीति, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा और वो बात सबसे महत्व की ये है कि क्रिकेट सभी 140 करोड़ भारतीयों का प्रिय गेम है, प्रिय खेल है। यहाँ क्रिकेट एक धर्म की तरह है। हम लगातार इसीलिए नंबर वन पे ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे इस खुलासे का वजन कितना है और ये सबसे अमीर खेल भी है, तो इसीलिए इस पर कवरेज तो जारी रहना चाहिए। और ये खेल वो है जो हम सबको जोड़ता भी है। क्रिकेट में हर किसी की इस देश में राय होती है और राय मशवरा करने के लिए ही हमने जो खास मेहमान अपने स्टूडियो में बुलाए थे, शेखर लूथरा और राहुल बैनर्जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तमाम बड़े सारे खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े इस शो के दौरान, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन गेम ओवर ये जो है अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि बड़े खुलासे जो आपने लगातार देखे अब इन पर प्रतिक्रिया भी आएगी और जी न्यूज पर इसकी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं DNA रोहित रंजन के साथ। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे